हेलो बच्चों कैसे हो सब डीसीएम टेस्ट सीरीज़ फॉर जेई 2021 की सीरीज़ में आपका मोस्ट वेलकम तो आज के इस पेपर में फिजिक्स में हमने केटीजी थर्मोडायनेमिक्स कैलोरीमीट्री थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर को कवर किया है आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन सेक्शन ए जिसमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हैं फिफ्टीन टोटल राइट जिसमें दो पैराग्राफ को इंक्लूड किया गया है थ्री ओ टू के चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ए लेट बुलेट पेनिट्रेट्स इन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड मेल्ट्स एज्यूमिंग फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वॉज यूज टू हीट एंड बुलेट वॉज फाइड फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल सिक्सटी डिग्री एंड स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट वैन मेकिंग एंगल फोर्टी फाइव डिग्री फ्रॉम हॉरिजोनटल ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बुलेट इज ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज थ्री ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस द लेट एंड ऑफ फ्यूजन ऑफ द लेडीज टू पॉइंट फाइव इंटू टीपाउट फोर जूल पर किलोग्राम एंड स्पेसिफिकलोग्राम पर कैलविन फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट इज ठीक है काफी सिंपल क्वेश्चन बुलेट जो है वो इनिशियली आपने ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल पर फायर किया है राइट तो जैसे ये ग्राउंड अज्यूम कर लेता हूं मैं यहां से आपने बुलेट को सपोज यू स्पीड से एंगल 60 के साथ फायर किया और डाउनवर्ड जर्नी जब ये वापस आ, आएगा ठीक है तो उस केस में मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इस हाइट पर वी के इक्वल है राइट एंड ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 45 डिग्री तो उस पोजीशन पर आकर के ये स्ट्राइक करता है बुलेट जो है ना वो स्ट्राइक करता है सॉलिड ऑब्जेक्ट से और बुलेट जो है वो मेल्ट हो जाती है उस केस में ठीक है तो यहां पर इसकी स्पीड जो है वो वी है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है बुलेट के पास वो आ जाएगी आपके पास हाफ एमवी स्क्सेंट ही वो कंज्यूम कर रहा है तो मतलब 50 मतलब two, है है ना ना तो ये जो है ना, ये जो एनर्जी हीट की फॉर्म में उसको ये एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्ब करेगा बुलेट तो बुलेट का पहले टेम्परेचर कितना है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है तो ट्वेंटी टू थ्री तक ये जाएगा ठीक है फेज इसका सॉलिड ही रहेगा उसके तो स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है के लिए, वो वन ट्वेंटी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको सबसे पहले करने में, मतलब मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में उसके बाद में कंप्लीटली जब मेल्ट हो जाएगी ठीक है तो लेट एंड ऑफ फ्यूजन एम इंटू एम इंटू एल एफ लेट एंड ऑफ फ्यूजन भी आपको दे रखा है देखिए तो आउट कर दोगे जूल पर किलोग्राम पर कैलविन है एंड जो डेल्टा टी है वो आ जाएगा थ्री हंड्रेड राइट थ्री ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन थ्री हंड्रेड प्लस एल एफ एल एफ जो आपके पास टू पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंट दावर फोर ठीक है यहां से आप वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इसको फर्दर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वी स्क्वेयर बाय फोर इज इक्वल टू यह आ जाएगा आपके पास जीरो जीरो फिफ्टीन वन ये सेवन और ये थ्री ठीक है प्लस इसको अगर हम डील करें तो यह आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो इसको सम करें अगर आप तो यह आ जाएगा आपके पास सिक्स ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है वी स्क्वेयर बाय फोर की वैल्यू तो यहां से आपके पास v की वैल्यू कितनी है रूट करोगे आप तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहां पर v is equal to, 4 का रूट टू आ जाएगा एंड 625 का 25, and का 25 एंड 100 10 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 500 राइट तो 500 मीटर पर सेकंड जो है वो यहां पर वेलोसिटी है इस पोजीशन पर वेलोसिटी है तो हमसे ये वाली वेलॉसिटी पूछिए कि ग्राउंड से आपने इस बुलेट को कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया है राइट ग्राउंड से आपने इसको कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया है ठीक है तो इसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है बेटा तो यू का एक्स जो यहाँ पर आ जाएगा वी है तो वी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वी कॉन्सो फाइव आ जाएगा वी बाय टू राइट रूट टू से रूट टू कैंसल आउट हो गई है इज द रूट टू बचा तो यू बराबर आ जाएगा वी टाइम्स ऑफ रूट टू और वी की वैल्यू कितनी है सेकेंड तो देख, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर ओके, इसको कर दूं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फाइव हंड्रेड रूट टू मीटर पर सेकंड इन मीटर पर सेकेंड राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आइए कंसीडर द मेल्टिंग ऑफ वन ग्राम आइस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू लिक्विड वॉटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस एटमोस्फेरिक प्रेशर फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओके तो वन ग्राम आइस है ये जैसे सपोज एक आपके पास एक आइस ब्लॉक है ठीक है आइस ब्लॉक है और इसका मास आपको गीवन है एम इज इक्वल टू वन ग्राम ठीक है जनरली हम जानते हैं कि आइस की जो डेंसिटी होती है वो वोटर से क्या होती है कम होती है तो जैसे ही आइस मेल्ट होगी तो उस केस में जो वॉल्यूम है उसका आइस का गीवन मास के लिए वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब इसको अगर वोटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे ठीक है तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा ये अब ये वोटर में कन्वर्ट हो चुका है और बाहर एटमोस्फिर है राइट एटमोस्फिर प्रेशर है बाहर की तरफ सराउंडिंग में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया पहले जो वॉल्यूम था वो वी आई था अब वॉल्यूम वी एफ हो चुका है, है ना वॉल्यूम डाउन हो गया यहां पर राइट हमने इस आइस को एनर्जी कितनी दी है अगर आपने इसको मेल्ट किया है तो आपने जो एडिशनल या जो आप ये कहो कि सिस्टम को इस आइस ब्लॉक को बाहर से एनर्जी कितनी दी है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इन टू एल एफ है ना लेट फ्यूजन इतनी एनर्जी हमने इस आइस ब्लॉक को दी ठीक है ये एनर्जी देने के बाद अगर हम बात करें इसकी इस सिस्टम की या आइस ब्लॉक की जो इंटरनल एनर्जी उसके अंदर चेंज डेल्टा यू है राइट डेल्टा यू मैंने लिख दिया प्लस ठीक है अब हमें इसको और सेटल डाउन करना है तो ध्यान से सोचना आ, जो सराउंडिंग है जो बाहर से जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो वर्क कर रहा है इस केस में है ना उसने कंप्रेस कर दिया इसको इसने इसको कंप्रेस किया तो एक्सटर्नल प्रेशर ने कितना वर्क किया यहां पर अगर हम बात करें तो तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर का वर्क देख रहे हो इस केस में ठीक है तो आप माइनस साइन यूज कर सकते हो यहां पर ठीक है तो माइनस यूज करके आप लिख सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट है

एल एफ की वैल्यू हमें दे रखी है यहां पर लेट एन डीट ऑफ फ्यूजन फॉर वोटर इज इन इन एस आई ओके थ्री पॉइंट थ्री फोर इन टेन टू दावर फाइव ठीक है प्लस पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर हम टेन टू दावर फाइव एज्यूम करेंगे ठीक है टेन टू दावर फाइव पास और वी इनिशियल की बात करें और वी फाइनल की बात करें वी इनिशियल कितना आएगा मास अपॉन में डेंसिटी ऑफ आइस मास कितना है टेन टू दावर माइनस थ्री ठीक है टेन टू दावर माइनस थ्री अपॉन डेंसिटी कितनी आई इसकी नाइन ट्वेंटी माइनस फिर जब ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा मास तो सेम रहेगा मास की वैल्यू वही सेम अगेन ट्वेंटी पावर माइनस थ्री अपॉन वन थाउजेंड ठीक है तो इस टाइप से आप इसको सेटल कर सकते हो डेल्टा यूज इक्वल टू यहां से कितना आएगा ये ट्वेंटी पावर टू बचेगा एंड देन थ्री थ्री फोर आ गया ये ठीक है प्लस यहां पर अगर हम देखें तो ट्वेंटी पॉवर माइनस थ्री ट्वेंटी पावर फाइव तो ट्वेंटी पावर टू बचेगा बाकी अगर आप इसका एलसीएम लोगे यहां पर तो नाइन ट्वेंटी इंटू वन थाउजेंड

जब आप वोटर को वेपर में कन्वर्ट करते हो स्टीम में कन्वर्ट करते हो तो उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टू इंसुलेटिंग विद थर्मल रेजिस्टेंस एंड आर एज शोन द फिगर द टेम्परेचर इज काफी सिंपल क्वेश्चन है ये आपको दो स्लैब दे रखी हैं जिनका थर्मल रेजिस्टेंस गिवन है आर वन आर टू अपर सरफेस का टेम्परेचर है थीटा टू लोअर सरफेस का थीटा वन है और जो इंटरफेस है इन दोनों का वो थीटा टेम्परेचर पर है और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है काफी सिंपल क्वेश्चन है ये देखिए ये दो रेजिस्टेंस हैं ठीक है यहां वाले पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो थीटा टू है यहां वाले का थीटा वन है और इस वाले का थीटा है ये रेजिस्टेंस जो है वो आर वन का इक्वल है और ये वाला रेजिस्टेंस आर टू के इक्वल है राइट अब आप है ना सिंपली इसको जो के सीएल वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे हीट करंट की बात करें तो हीट करंट इधर जा रहा है

एंड थीटा वन बाई आर टू तो आएसीएम आर वन आर टू आ जाएगा ऊपर थीटा टू इंटू आर टू एंड इधर आ जाएगा थीटा ठीक है इस वाले पार्ट को चलो रब कर देते हैं ये वैल्यू आ गई देखो आर वन आर टू से कैंसिल आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा वन आर वन प्लस थीटा टू आर टू अपॉन में आर वन प्लस काफी सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा सेकंड हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इफ 50 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम कंटेनिंग टू मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटोमिक गैस द राइज इन द इज इसमें क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मूवेबल पिस्टन है ये मतलब पिस्टन मूव कर रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप फ्रिक्शन लेस ही पर तो इसका मतलब ये होगा कि इस पिस्टन पर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड में है ही और पिस्टन का मास भी हो सकता है इवन एम हो सकता है तो अगर आपसे पूछे कि यहां पर प्रेशर कितना है ठीक है वैसे जनरली अगर पिस्टन का मास नहीं दिया होता तो पिस्टन को हम मासलेस ही एज्यूम करते हैं ठीक है पिस्टन को मासलेस ही एज्यूम करते हैं नहीं दिया हुआ तो लेकिन अगर मास अज्यूम कर भी लो और हम ये मान के चलें कि ये धीमे 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 मूव कर रहा है पिस्टन तो उस केस में आ, यह कह सकते हो कि इस

वो गैस का फिक्स रहेगा अब अगर गैस का प्रेशर फिक्स है प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस होगी और आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट एनर्जी आप दोगे वो हीट एनर्जी बेटा डेल्टा डेल्टा इक्वल आएगा राइट डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस और हमसे यही पूछा है कि टेम्परेचर में डिफरेंस कितना डेल्टा टी की वैल्यू पूछिए एंड हियर डेल्टा इज रख दोगे आप नंबर ऑफ मोल्स टू है टू रख दीजिए सीपी गैस कौन सी है आइडियल मोनो एटोमिक गैस है

A black body is, is at a temperature of uh, 2880 Kelvin. The energy of the radiation emitted by this object with wavelength between 599 nanometer and 500 nanometer is U1. Between 9, 999 nanometer and 1000 nanometer is U2. And between 1499 nanometer and 1500 nanometer is U3. Wien's constant is this. Wien's constant is uh, in uh, nanometer.

वेवलेंथ पर ई e लैमडा की वैल्यू मैक्स होती है उस टेम्परेचर पर मतलब जैसे सपोज ये आपने टी पर्टिकुलर टी टेम्परेचर के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है ठीक है ब्लैक बॉडी जो है वो पर्टिकुलर टी टेम्परेचर के लिए आपने ई e लैमडा और लैमडा के बीच में ग्राफ लोड किया है तो एक पर्टिकुलर लैमडा के लिए ई लैमडा की मैक्स होती है और लैमडा मैक्स और टी के बीच में जो रिलेशन होता है

ट्रिपल जीरो को साइड कर सकते हो और यहां से ये यह थ्री आ जाएगा बाहर और ये इससे कट जाएगा कटने का मतलब ये हुआ ये आगे हमारे पास वैल्यू वन थाउजेंड नैनोमीटर मतलब लैम्डा मैक्स जो है ना वो वन थाउजेंड नैनोमीटर के बराबर है इसका मतलब इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ई लैम्डा जो है इमिसिव स्पेक्ट्रल इमिसी पावर सबसे ज्यादा होगी ठीक है इज दट क्लियर और हमसे अगर इमिसिव पावर पूछे ना पर्टिकुलर रेंज के लिए पर्टिकुलर रेंज के लिए तो उसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है पर्टिकुलर रेंज के लिए इमिसिव पावर इज इक्वल टू ई ई डी 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 होता है तो दी लैंडा, दी लैंडा, है तो सिंपली क्या स्मॉल चेंज इन लैमडा राइट पर्टिकुलर इस इस कर्व के लिए लैमडा के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप लेंगे अपन उस स्ट्रिप का एरिया ही इमिसिव पावर को बताएगा राइट तो वो हमें जज करना है देखना है तो सबसे पहला दे रखा आपको 499 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर ये 1000 है इसका मतलब इससे कम पे कम पे 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 ही आएगा ये 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 आने का मतलब हुआ कि कहीं कहीं ना यहां पे होगा और डिफरेंस कितना है केवल 1 नैनोमीटर का है देखो 1 नैनोमीटर का डिफरेंस है तो इसका ये जो स्ट्रिप बना यहां पर इस स्ट्रिप का जो एरिया है ना वो एरिया ही यू को बताएगा नेक्स्ट है ट्रिपल नाइन टू तो वन थाउजेंड ट्रिपल नाइन टू तो वन थाउजेंड यहीं पर ही आ गया देखो आया कि नहीं आया आ, इसको आप ऐसे बना लो चाहो तो तो इसमें भी डिफरेंस वन नैनोमीटर का ही है विथ डी लैमडा जो नैनोमीटर ही है इसमें भी सेम है लेकिन इसकी हाइट ज्यादा है तो इतना तो क्लियरली समझ मारा इसका एरिया ज्यादा होगा एरिया ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा होगा नेक्स्ट है ऑब्वियसली e तो मतलब 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 तो वो उधर जाएगा इस तरफ जाएगा इसमें भी एक का ही डिफरेंस है तो इसका एरिया भी क्या आएगा कम आएगा हाँ, इन दोनों का जो एरिया है उसके अंदर जज करना थोड़ा मुश्किल काम है सीधी सी बात है क्योंकि आपको पूरी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी तब जाके देख पाएंगे लेकिन इतना हमें एग्जामिनर ने नहीं पूछा है ऑप्शन के हिसाब से देखें अपन तो क्या यू वन जीरो है ये यू वन है ये यू टू था और ये वाला यू थ्री है राइट यू वन जीरो नहीं यू टू जीरो नहीं यू वन बराबर यू टू है क्या ये दोनों बराबर है नहीं यू टू इज ग्रेटर देन यू वन डेफिनेटली यू टू की वैल्यू यू वन से ज्यादा है एंड इवन यू थ्री से भी ज्यादा है ओके okay? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें

ठीक है कोल्ड रिजर्वेयर का हॉट का टेम्परेचर वो आपको पता right? इन कैलविन में अगर आपके पास है तो आप ईटा की वैल्यू फाइन कर सकते हैं इवन हीट एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकते हो क्यूसी क्यू एच राइट लेकिन रेफ्रिजरेटर का फंक्शनिंग एकदम उल्टा होता है कैसे ये देखो ये तो कोल्ड रिजर्वियर आ गया ठीक है ये हॉट रिजर्वियर है और इसका डायग्राम देखें अपन ब्लॉक डायग्राम वो कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट तो हमने यहां से एक्सटर्नल वर्क किया वर्क किया आपने, वर्क करके होट रिजर्वेयर से सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ये होट है मतलब इसका टेम्परेचर हाई है और ये कोल्ड है ठीक है इसका टेम्परेचर लो है राइट टी सी एंड टी एच तो वर्क किया वर्क करने से जो कोल्ड रिजर्वियर है उससे हीट एनर्जी हमने यहां से निकाल ली ठीक है हीट एनर्जी निकाला आपने अगर आप सिस्टम को रिलीज कर दो ठीक है तो कोई भी सिस्टम में ऐसा कभी भी नहीं होता कि ऑटोमेटिकली सेल्फ अगर उसको छोड़ दिया जाए तो हमेशा हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है लेकिन यहां पर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर एनर्जी को फ्लो करवाना है तो आपको एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा वर्क अगर आप करोगे तो उस केस में आप हीट एनर्जी को फ्लो करवा सकते हो तो यहां से हीट एनर्जी क्या आएगी उस हीट एनर्जी को अपन बोलेंगे क्यूसी यहां से आपने डब्ल्यू किया और इसमें हीट एनर्जी गई राइट एंड right? और यहां से एनर्जी से देखें अपन तो आप लिख सकते हो डब्ल्यू प्लस क्यूसी इज इक्वल टू क्यू एच सेम सिंपल तो डब्ल्यू की वैल्यू आप लिख सकते हो या W प्लस बराबर क्यू एच के बराबर लिख सकते हो आप W बराबर क्या आ जाएगा क्यू एच माइनस राइट अब बात करते हैं कॉफिशन ऑफ परफॉर्मेंस की कॉफिशन ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के लिए सी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सी क्या होता है बहुत ही सिंपल है समझना कि आपने हीट एनर्जी उससे एक्सट्रैक्ट की सिंक से राइट और वर्क किया आपने W तो W कम से कम करना पड़े और ज्यादा ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसका मतलब वो रेफ्रिजरेटर ज्यादा अच्छा है हमारे लिए राइट इसका मतलब सी सिंपली रेशियो होता है किसका QC और W का W कम करना पड़े और QC ज्यादा ज्यादा हो तो C की वैल्यू ज्यादा आएगी और W जो है वो आपके पास है QH QC ठीक है अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो काफी सिंपल है अब देखो यहां से आ, QC by QH की वैल्यू अगर हम बात करें तो इसको आप इधर ले आइए और ये 1 थीटा हो जाएगा QC by QH की वैल्यू 1 थीटा हो जाएगी वो आप रख सकते हो QC QH बनाना आपको तो C टू एक काम करें यहां पर QC को डिवाइड कर दो बेटा QC को डिवाइड करोगे तो ऊपर बना जाएगा यहाँ आ जाएगा QH एच बाई क्यू सी माइनस वन ठीक है इसको फर्दर आप लिख सकते हो चाहो तो ये QH एच बाई क्यू सी राइट तो QC सी बाई क्यू क्या जाएगा? By QH तो right? आ जाएगा QC सी बाई क्यूएच के बोली वन माइनस ईटा है ठीक है तो ये वन माइनस ईटा नहीं ये वन अपन में वन माइनस ईटा आएगा माइनस वन राइट माइनस वन आ जाएगा एलसीम ले लीजिए आप तो यहाँ से वन माइनस ईटा जो है ऊपर चला गया और यहां पे कितना आया वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया देन डिवाइड कर दीजिए सी इज इकोलेटनाइनस वन ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एंड करेक्ट ऑप्शन पर कौन सा नजर आ रहा है बेटा थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन था है ना और क्वेश्चन आते भी हैं इवन जेई मेन्स के अंदर इससे साइकिल से एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें ए पीस ऑफ मेटल फ्लोट्स इन मर्करी The coefficient of volume ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द मेटल एंड द मर्करी गामा वन एंड गामा टू if इफ द टेम्परेचर ऑफ द बोथ and एंड मेटल आर by बाय डेल्टा टी ओके द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन द mercury चेंजेस बाय द फैक्टर ऑफ ठीक है देखिए थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है है ये मर्करी है और इसके अंदर एक मेटल पीस जो है वो फ्लोट कर रहा है मर्करी का जो डेंसिटी है वो मैं सिग्मा कंसीडर कर लेता हूं और जो ब्लॉक है उसका डेंसिटी मैं रो कंसीडर कर लेता हूं ठीक है ब्लॉक का जो टोटल वॉल्यूम है वो आप मान लीजिए वी है और जो सबमस्ड वॉल्यूम है जो डूबा हुआ वॉल्यूम है देखो ये वाला पार्ट डूबा हुआ जो वॉल्यूम है वो है वी डैश तो अगर आप इसमें बायसी का कॉन्सेप्ट लगाएं तो बहुत ईजीली आप इसको लिख सकते हो एक तो एम लग जाएगा ब्लॉक का नीचे की तरफ एम आएगा रो इन टू वी इंटु और बायसी फोर्स ऊपर लगेगा बायसी फोर्स क्या होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा

किस फैक्टर से चेंज हो रहा है कितने गुणक से ये परिवर्तित हो रहा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी की वैल्यू जो है तो रो नॉट अपॉन में वन प्लस गामा डेल्टा टी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगता ही है तो आप ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हो तो रो नॉट हो जाएगा अपॉन में वन प्लस अब जो मेटल है उसकी जो जो एक्सपेंशन कॉफिशियंट है वो लैमडा वन है तो ये डेंसिटी मेटल की तो है तो यहां पे आ जाएगा वन प्लस गामा वन सॉरी लैमडा नहीं गामा वन गामा वन डेल्टा टी राइट डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड सिग्मा जो है वो मर्करी का है मरकरी के लिए क्या लिखोगे सिग्मा नॉट और ऊपर चला जाएगा वन प्लस और मर्करी का जो एक्सपेंशन कॉफिशियंट है वो गामा टू है तो गामा टू डेल्टा टी करेक्ट तो यहां से आप देख लीजिए रो नॉट सिग्मा नॉट साइड में आ गया और मल्टीप्लाई में क्या है किस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है इसको मल्टीप्लाई इस करना पड़ा है ठीक है तो काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन द फिगर तो प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ आपको दे रखा है पी और रो के बीच में राइट right? और हमको उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है फर्स्ट कह रहा ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी वर्क डन ए बी वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव अगर आप ए से बी की बात करें तो ए से बी में आप गौर से देखिए डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा डेंसिटी फिक्स है और गिवन मास के लिए ही बात हो रही है यहां पर तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है इफ डेंसिटी इज फिक्स्ड मास इज आल्सो फिक्स्ड देन वॉल्यूम इज फिक्स्ड तो वॉल्यूम यहां पर ए और बी के लिए फिक्स है और वॉल्यूम अगर फिक्स है बेटा वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा जीरो हो जाएगा तो यह कह रहा पॉजिटिव तो इसका मतलब तो ये इनकरेक्ट हो गया

क्वेश्चन नंबर बेटा ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अपन को सही जो स्टेटमेंट उसको बताना है फर्स्ट है गुड एब्जॉर्बर अगर है तो गुड इमीटर भी होगा एवरी बॉडी इमिट रेडिएशन एट एनी पॉसिबल टेम्परेचर बट डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन कैसा होता है नहीं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करें पॉसिबल टेम्परेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन को इमिट कर रहा है तो वो एब्जॉर्ब भी करता है सराउंडिंग से ठीक है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया थर्ड है द द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी सेम फॉर ऑल ऐसा होता है नहीं अभी अभी हमने देखा था जो एनर्जी का जो कर्व आया था ई e लेमडा का स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रमसी पावर और लैमडा के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा था है ना और सभी वेवलेंथ के लिए देखा जाए तो ई e लैमडा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा तो ये इनकरेक्ट ये वाला इनकरेक्ट ये वाला इनकरेक्ट फोर्थ क्या करे दो शोइंग द रिलेशन ऑफ द टेम्परेचर वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम इमिशन

एंड क्लोज डी को दिया वेन दोल्व सी इज ओपन राइट आप सी को ओपन कर दिया है ना अब नया प्रेशर डेल्टा पी से डिक्रीज हो गया ना तो पी माइनस डेल्टा पी हो जाएगा इफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क बीज इसका वोल्यूम वी बी है आपके पास वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क एम ऑफ द फ्लास्क ए कंसिडर कर लिया राइट right? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये अगर आप ये गौर से देखें इस सिस्टम को तो इसकी जो वॉल्स हैं फ्लास्क की दीवारें जो है वो कंडक्टिंग है इसका इसका मतलब मतलब हीट का कंडक्शन हो सकता है बाहर राइट सराउंडिंग मतलब से ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा ऑलवेज मतलब सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर है वही सेम टेम्परेचर इसका रहेगा सराउंडिंग का चेंज होगा नहीं सीधी सी बात है है ना आ, तो इसका मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा इन स्टेडी स्टेट तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो एक बार आपने गैस को फिल कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो गए इसका मतलब पी इंटू वी वो है कॉन्स्टेंट जैसे अगर मैं इनिशियली बात करूं तो प्रेशर इसमें पी है वॉल्यूम भी था इसका तो आप लिख सकते हो पी इंटू वी बी पी इंटू वी भी आ गया बराबर नेक्स्ट केस में क्या वो प्रेशर जो डाउन हो गया अब प्रेशर पी माइनस डेल्टा पी हुआ तो केवल इसमें नहीं हुआ है इसमें भी हुआ है गैस इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना तो न्यू प्रेशर क्योंकि वॉल्यूम राइज हो चुका है अब नया वॉल्यूम क्या आ गया अब दोनों कनेक्ट हो चुके हैं आपस में नया वॉल्यूम आ गया वी ए प्लस वी बी और जो प्रेशर है वो पी माइनस डेल्टा पी हो गया तो आप आप लिख सकते हो आ, प्रेशर इज पी माइनस डेल्टा पी एंड वॉल्यूम इज़ वी ए प्लस वी बी राइट वी ए प्लस वी बी इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो आप आपसे यहाँ पर वी ए की वैल्यू पूछिए तो वी ए की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से आप तो देखिए पी वी बी इस पी को इससे मल्टीप्लाई कर दो आ, पी माइनस डेल्टा p को इस वी ए से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि वी ए कैलकुलेट करना है देन वी बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं p वी बी माइनस डेल्टा p वी बी राइट p वी बी पी वी बी कैंसल आउट हो गया डेल्टा p वी बी इधर आ जाएगा तो डेल्टा p वी बी अपोन में p माइनस डेल्टा p इज वी ए तो डेल्टा p वी बी अपोन में p माइनस डेल्टा p राइट right? इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले

टू टाइम्स ऑफ पी वी अच्छा नॉट तो कॉन्स्टेंट है सिंपल ठीक है नॉट यहां पर है तो फैक्टर जो यू को इफेक्ट कर रहा है वो है पीवी और हम अच्छे से जानते हैं जैसे अगर मैं किसी एब्सोल्यूट पर अगर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं तो वैल्यू होती है बेटा यू इज इक्वल टू यू नॉट नॉट कोई रेफरेंस वैल्यू है प्लस प्लस

जो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी है वो टू आर की वैल्यू और सीपी की वैल्यू पूछे तो मेयर मतलब तो की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है आगे देखते हैं चलो आगे कह रहा है द प्रेशर सिंपल सीपी टू सीवी प्लस आर सी आर टू आर प्लस मीन थ्री आर तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं द वर्क डन बाय द आइडल गैस इन द प्रोसेस ए बी अच्छा ए बी प्रोसेस में आपसे वर्क डन पूछा है चलिए फिर पीछे चलना पड़ेगा यस ए बी प्रोसेस को आप गौर से देखिए अगर आप गौर से देखें तो यहां पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा दैट मीनस टी में कोई चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें बेटा तो वर्क डन क्या होता है सिंपल लिखते हैं डब्ल्यूस टू एन आर टी इज द टेंचर है ना ए और बी के लिए लॉक बेस ई राइट बेस वी टू बाई वी वन वी टू इज टू वी नॉट एंड वी वन इज वी नॉट मतलब बी पर वॉल्यूम वॉल्यू नॉट और ए पर वी नॉट बास टू तो एल एन टू आ जाएगा ये अच्छा एनआर टी की वैल्यू रखनी है हमें और एनआरटी की वैल्यू बड़ी आसानी से आप रख सकते हो यहां पर अब कैसे करें एनआरटी की वैल्यू क्या है यहां पर पी वी जो है वो एनआरटी तो है और क्या है पी वी जो है वो एनआरटी तो है तो एनआर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यू यहां पे यू वन लिखा हुआ है तो ये यू वन हो जाएगा U1, तो राइट, U1 right? डब्ल्यू मतलब आ जाएगा हमारे पास यू वन माइनस यू नॉट बाई टू इंटू में एल एन टू ये आंसर आ जाएगा दूसरे केस में एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो डायग्राम वापस जाएंगे अपन बी से सी में डन और पूछा है बी में सी में देखा जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, है तो आइए देखो तो इसमें आंसर क्या जाएगा? ये तो वो पुराने वाला था इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा ए बी के अंदर और इसी तरीके से अगर आप बी सी की बात करें जो मैं बता रहा था आपको आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस में वगडन कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा थर्टीन का फर्स्ट आ जाएगा यहां पर राइट चलिए ये पैराग्राफ काफी सिंपल था नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले पॉइंट इन टू कंपार्टमेंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय कंडक्टिंग वॉल इन ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर राइट तो हेर इज वोटर एंड इज आइस राइट वोटर और आइस दोनों एक कंडक्टिंग वॉल से कनेक्टेड है और ये थर्मली इंसुलेटेड वॉल है यहां पर एक कनेक्टर लगा हुआ है एक वॉल है लेकिन ये कंडक्टिंग वॉल है इसका मतलब हीट का ट्रांसमिशन हो सकता है इधर से इधर ओके okay. और ये कह रहा है अपन को कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वॉटर टू द आइस थ्रू द कंडक्टिंग वॉल इज कॉन्स्टेंट विच इज पी मतलब यहां से हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है ए टू बी वो कॉन्स्टेंट है मतलब पी आपको दे रखा right. है एंड पी इज डीक्यू बाई डी टी राइट डीक्यू बाई डी टी पावर है ना

आंसर बताना है यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पर द वैल्यू ऑफ द रेट पीस पावर की वैल्यू पूछिए किस रेट से जो एनर्जी है वो इस तरफ ट्रांसफर हो रही है ठीक है वोटर की बात करें तो वोटर जो है अभी जैसे देखा था इसका फेज जो है वो लिक्विड है ना तो वोटर से जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है दैट इज डी क्यू फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस एम सी डी टी right? dt is the temperature difference, and the dq by dt is equal to m into c into dt by d small t. तो so dq by dt इसके लिए तो negative होगा actually हम देखा जाए तो क्योंकि इससे heat extract हो रही है और वो ice को मिल रही है, ice को मिल रही है obviously. Mass of water which is given 0.60 kg. तो so m की value में 6.0.60 रख दूँगा. C specific heat of, uh, capacity of the water is 4200. 4200 रख दिया हमने. एंड डी तो टी बायोल्टी इज द स्लोप ऑफ द कर तो टी और स्मोल्टी के बीच में ग्राफ देखें तो स्लोप अगर देखा जाए स्लोप इसका नेगेटिव मिल रहा है हमें ठीक है तो स्लोप नेगेटिव लिखकर निकाल लेंगे आप यहां पर चालीस दे रखा है बट ये मिनट में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना जरूर है और टेन थियटर यहां से कितना फोर्टी बाई फोर्टी बट फोर्टी मिनट सेकंड में तो कन्वर्ट करेंगे इसको तो नेगेटिव विद नेगेटिव साइन राइट लेकिन नेगेटिव मैंने क्या बोला वोटर के लिए तो नेगेटिव है लेकिन आइस के लिए पॉजिटिव है राइट तो इसका मोड लेके कर लो आप तो मोड करें तो फिर वैल्यू कितनी कि मतलब okay? तो यहां से, ये 40 से 40 कितनी वैल्यू आई फोर्टी टू आ गया ना तो पावर की जो वैल्यू है वो फोर्टी टू आ जाएगी तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा वोट के अंदर ऑब्वियसली क्योंकि हमने जूल में ये सारी वैल्यू ली थी आंसर 40 वोट तो फोर्टीन का फर्स्ट आ जाएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए द मास ऑफ द आइस फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जन फ्रॉम द वोटर टिल थर्मल इज रीज इज इक्वल टू हमसे पूछा है कि वोटर जब कंप्लीटली देखिए आप ग्राफ को अगर देखें तो ग्राफ से काफी इजीली समझ में आ जाएगी ये चीज हमारे पास पावर आ चुकी है राइट तो पावर की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है ठीक है देखिए वोटर का अगर आप ग्राफ देखें तो यहां तक इसका टेम्परेचर जीरो हो चुका है ठीक है तो वोटर पूरे वोटर का टेम्परेचर जीरो हो गया लेकिन आइस की बात करें इस टाइम पर आइस जो है आइस का टेम्परेचर जीरो नहीं हुआ है वो अभी भी नेगेटिव है इसका मतलब आइस का टेम्परेचर राइज होगा इसकेस में ठीक है तो आइस का टेम्परेचर राइज होगा आइस का टेम्परेचर राइज होने मतलब का मतलब आइस का टेम्परेचर जीरो की तरफ आ रहा है तो उस दौरान वो एनर्जी कहां से ले रहा है वोटर से ही तो ले रहा है तो वोटर से लेगा तो वोटर का कुछ पार्ट फ्रीज हो जाएगा अगर आप गोर से देखें तो इस टाइम इंटरवल की बात करें ध्यान से देखना आप ये गैप कितना आ रहा है सिक्सटी माइनस फोर्टी सिक्सटी माइनस फोर्टी मतलब 20 मिनट्स सेकंड में कन्वर्ट करें 20 इंटू सिक्स इतना टाइम ले रहा है इतने टाइम के बाद में ये जो आइस है ना ये जीरो डिग्री सेल्सियस पे आएगी तो उस दौरान जो वोटर है वोटर का कुछ पार्ट तो ऑब्वियसली जम जाएगा ना फ्रीज हो जाएगा तो ये टाइम हुआ और हमें मालूम है अच्छे से कि यहां से जब तक कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाती इन दोनों के बीच में तब तक कांस्टेंट रेट से जो है वो हीट एनर्जी यहां से एक्सट्रैक्ट हो रही है निकल रही है और वो कितनी रेट से निकल रही है जो पावर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 42। तो पावर को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई तो हीट एनर्जी आ जाएगी ना। को टी से कर दूं। तो इतनी है पानी का कुछ पार्ट डेफिनेटली फ्रीज हो जाएगा मान लीजिए मास एम और लेट हीट ऑफ फ्यूजन बेटा आपको दे रखा है यहां, पर, 3 .3 10 5. 10 5. यहां तक यह वैल्यू आ चुकी आपके पास अब हमें यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी तो ये ट्वेंटी इंटू सिक्सटी ये आ जाएगा ये कितना आया बारह सौ इंटू फोर्टी टू में थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू द पावर फाइव राइट टेन टू दावर फाइव चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं वैल्यू कितनी आती है किस में दे रखा है ओके okay. तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो कोई ज़्यादा हाईफाई चीज़ नहीं है अच्छा ये माइनस फाइफ आ जाएगा ऊपर की तरफ ठीक है इसको मैंने सेपरेट कर दिया था तो जीरो जीरो तो ये माइनस का थ्री बचा यहां पर तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहां पे करना पड़ेगा ठीक है इसको अगर हम देखें तो थ्री से ऑलमोस्ट करोगे फोर तो ये फिफ्टीन के अराउंड ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी बेटा ठीक है और माइनस का टेन ट्वेंटी पावर माइनस थ्री भी है तो इसकी वैल्यू रफली कैलकुलेट करते हैं बेटा तो 0.15 kg इसका आंसर आ जाता है ठीक है 15 का 0. 15 kg बेटा रफली इसकी वैल्यू आ जाती है राइट ठीक है तो बाकी कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट बस इतना सा था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके मोर देन वन पे आ चुके हैं हम ठीक है अब इन क्वेश्चंस को हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1

रो और रो अगर आधा हो गया हाफ हो गया तो सीधी सी बात है जो प्रेशर है वो पी जो है अगर आप इसको देखो तो पी इज प्रपोर्शनल टू रूट रो आ गया ना तो रो की वैल्यू अगर हाफ कर दी आपने आधी कर दी तो प्रेशर वन बाई रूट टू टाइम्स हो जाएगा सीधी सी बात है तो इनकर हो गया नेक्स्ट देखो तो टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस टू तो रूट टू टाइम्स ऑफ टी तो पहले जो भी टेम्परेचर था टी था और अब जो टेम्परेचर रूट टू टाइम्स टी हो चुका है क्या ऐसा है क्या ये सही चीज है डेंसिटी इसकी आपने हाफ कर दी आधी कर दी गैस इक्वेशन आप जानते हो पी वी बराबर एनआरटी होता है और इसको डेंसिटी में तो पी प्रोपोर्शनल टू रोटी बाय रोटी रोटी के प्रोपोर्शनल आप आप्यूम कर सकते हो पी को अगर हम बात करें तो पी रोटी के प्रोपोर्शनल है और अंडर रूट रो है ये इससे कट गया तो ये अंडर प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा वन अपॉन अंडर रो

आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा तो रूट पी रूट पी P, रूटी P बचेगा तो स्करिंग पी प्रपोर्शनल टू टी आ चुका है one upon T. तो यहां पर ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पैराबोला तो नहीं है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है राइट तो P और टी के बीच में जो ग्राफ है बेटा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट इन न्यूटन स्कूलिंग लॉ डी थीटा बाई डी टीज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीट कांस्टेंट के इज प्रोपोर्शनल टू ये जो के है ना वो किस किस के प्रोपोर्शनल होगा उसमें हमें देखना है यहां पर तो जो पावर होती है इनिसी पावर की बात करें हम ठीक है बॉडी से हीट रेडिएंट होगी सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नोट है बॉडी का किसी इंस्टेंट पर टेम्परेचर थीटा है राइट तो उससे जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है उसके कारण उसका टेम्परेचर डाउन होगा और उसको हम किस वे से लिखेंगे कैलोरीमीट्री वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इन डी डी टी को इसने डी थीटा लिखा है टेम्परेचर डिफरेंस बाई डी स्मोल्टी एंड इज अ टाइम राइट इज इक्वल टू इज इक्वल टू ये इमिसिव पावर के बराबर होना चाहिए इमिसिव पावर की बात करें एक्चुअली में जो एनर्जी बाहर आ रही है ठीक है इमिट हो रही है और जो कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है ठीक है उसके बाद आप रिलेशन को किस वे से लिखेंगे सिग्मा स्टीफन कॉन्स्टेंट एरिया इमिसिविटी ठीक है सरफेस की इमिसिविटी भी होगी बेटा तो इमेसिविटी सिग्मा स्टीफन कॉन्स्टेंट एरिया सर्फेस एरिया ब्रैकेट में क्या आएगा ब्रैकेट में थीटा का रिलेशन टेम्परेचर का रिलेशन आएगा सराउंडिंग का टेम्परेचर भी होता है थीटा एस ठीक है थीटा एस की पावर थ्री आता है और ब्रैकेट में क्या आएगा थीटा माइनस थीटा एस या थीटाएस सराउंडिंग का टेम्परेचर इसने थीटा नोट लिया तो वो कोई इशू है नहीं यहां पर तो बाकी ये कह रहा है कि जो के है अगर मैं इसको रिलेट करूं अच्छा ये टेम्परेचर ये डाउन हो रहा है तो इसका नेगेटिव यहां यूज कर रखा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है तो डी थीटा बाई डी टी इधर आ गया और ये एम सी जो है इसकी डिवाइड में ले जाओगे आप तो इमिसिविटी सिग्मा ए अपॉन में एम और ये सी आएगा और थीटा एस की पावर थ्री भी आएगा तो यहां पर अगर आप गौर करें तो जो के है वो किस पर डिपेंड कर रहा है क्या एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनलिटी पूछा है तो एरिया के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है यस एरिया के प्रोपोर्शनल है

A thermally insulated chamber of volume 2V0 is divided by the frictionless and massless piston of the area S into two equal parts A and B. Part A has an, an ideal gas at pressure P0 and temperature t 0 And in the part B, uh, is a vacuum. A massless spring of the force constant K is connected by this piston and the wall of the container as shown. Uh, okay. Initially spring is unstretched. The gas in the chamber A is allowed to expand, letting the equilibrium spring is compressed by X0. Then, थर्मली इंसुलेटेड है इसका मतलब हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगी खेल खत्म हीट एनर्जी नहीं जाने वाली आप यहां पर गैस है प्रेशर पी नॉट पर है और टेम्परेचर टी नॉट है और वॉल्यूम जो है वो इक्वली डिवाइड कर रखा है ना इसको इसका मतलब ये वॉल्यूम वी नॉट है और इधर वाला वॉल्यूम भी वी नॉट है राइट right? तो ये वाला वॉल्यूम वी नॉट है ये वाला वॉल्यूम टोटल टोटल जो है टू वी नॉट के इक्वल है राइट पिस्टन जो है वो, right? वो फ्रिक्शन लेस और मास लेस है मास जीरो राइट इस चीज पर थोड़ा सा गौर करना मास जीरो इसका नेट फोर्स शुड बी जीरो जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे तो गैस फोर्स लगाएगी और कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम अचीव होगी इक्विलिब्रियम जब अचीव होगी तो उस केस में हमें यह देखना है कि गैस ने कितना वर्क किया और स्प्रिंग के कारण डन कितना होगा पिस्टन मासलेस है इसका मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी में खर्च नहीं होगा पिस्टन की एनर्जी में मतलब पिस्टन के पास कोई एनर्जी नहीं आ रही तो जो एनर्जी आएगी स्प्रिंग के पास आएगी और स्प्रिंग पास एनर्जी कौन देगा गैस ही देगी गैस ही वर्क करेगी सीधी सी बात है

दोनों फोर्स बराबर होनी चाहिए के अंदर लिख सकते हो आप P S का है. देखो, by the Again, में कोई खर्च नहीं होगी कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा ये ठीक है वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप देख सकते हो तो जैसे ही बेटा गैस इसको, इसके ऊपर वर्क करेगी स्प्रिंग कंप्रेशन आ चुका एक्स नोट सो एनर्जी स्टोर इन हाफ के पास एनर्जी हाफ के एक्स नोट स्क्र आई है तो वो एनर्जी दी किसने है किसने दी है गैस ने तो दी है राइट right? और हमसे पूछा क्या वकडन बाय द गैस इज ऑब्वियसली हाफ के एक्स नोट स्क्र क्योंकि एनर्जी का लॉस तो हो ही नहीं रहा बाहर तो जा ही नहीं रही एनर्जी सुनवाई ना बात तो गैस जो अपनी एनर्जी जो वर्क करेगी वो सारा वर्क जो है वो स्प्रिंग स्टोर कर लेगा तो स्प्रिंग के पास हाफ केक्स नोट स्क्यनर्जी आ चुकी है तो सो वकडन बाय द गैस करेक्ट बेटा थर्ड चेंज इन इंटरनल होगी ना कितनी कम हो जाएगी? Half, की तो चेंज इन द इंटर हाफ के एक्स नोट स्केर यह भी सही है टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डिक्रीज क्या ऐसा सही है क्या गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए प्रेशर की बात करें अगर हम पहले प्रेशर पी नोट था राइट वॉल्यूम वी था जो भी है है ना तो जैसे ही इस पिस्टन को इसने एक्सटेंड किया राइट इसने एक्सटेंड किया गैस की ने वर्क किया गैस ने वर्क किया तो गैस की इंटरनल एनर्जी डाउन हुई गैस ने वर्क किया गैस की इंटरनल एनर्जी डाउन हो गई बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी तो मिल नहीं रही ना डेल्टा की तो जीरो यहां पर तो गैस ने वर्क किया तो गैस की इंटरनल एनर्जी डाउन हुई और इंटरनल एनर्जी जब डाउन होगी तो हम जानते हैं अच्छे से डेल्टा इक्वल टू तो एनसीबी डेल्टा टी तो टेम्परेचर डेफिनेटली क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा है ना बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर एट टेम्परेचर टी एंड टीबी रेस्पेक्टिवली बोथ ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन ए रूम विद परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मेंटेन्ड परफेक्टलीचर टी ए इज ग्रेटर देन देन टी इज ग्रेटर ओके okay, तो ऑब्जेक्ट ए का जो टेम्परेचर है वो जो रूम uh, टेम्परेचर है टी ठीक है उससे ज्यादा है और ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से क्या है कम है ठीक है ओके द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट द फॉलोइंग राइट चलिए देखते हैं फर्स्ट कह रहा है ए ओनली इमिट्स रेडिएशन वाइल बी ओनली एब्जॉर्ब इट अंटिल बोथ अटेन द टेम्परेचर टी क्या सही है अगर टेम्परेचर कम भी होता है ना बेटा तो भैया रेडिएशन तो ऐसा है कि रेडिएशन इमिट भी करता है एब्जॉर्ब भी करता है दोनों प्रोसेस चलती हैं लेकिन मुद्दा ये होता है कि अगर टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा है ना तो इमिशन ज़्यादा होता है एब्जॉर्प्शन कम होता है ठीक है तो इमिशन ज़्यादा होता है एब्जॉर्प्शन कम है। तो ओवरऑल जो है वो इमिशन ही होता है लेकिन उसको ऐसा नहीं कहोगे कि एब्जॉर्प्शन नहीं होता है उसमें होता है तो यहाँ पर ए ओनली इमिट्स रेडिएशन वाइल बी ओनली एब्जॉर्ब ये इनकरेक्ट हो गया बेटा सेकंड कह रहे हैं ए लॉसिज मोर हीट बाय रेडिएशन देन इट बी एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन इट दे अटेन द टेम्परेचर टी ऑब्वियसली सही है है ना क्योंकि ए का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो एब्जॉर्ब्शन की तुलना में जो इमिशन वो ज्यादा करेगा ऐसे बी जो है वो इमिशन की तुलना में एब्जॉर्बन ज्यादा करेगा तो सही है थर्ड कह रहा है बोथ ए एंड बी ओनली एब्जॉर्ब रेडिएशन बट डू नॉट इमिट इट अंटिल दे अटेन द टेम्परेचर टी बोथ ए एंड बी ओनली एब्जॉर्ब ओनली एब्जॉर्ब आ गया इसका मतलब इनकरेक्ट हो गया फोर्थ कह रहे ईच ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन इवन आफ्टर अटेन अटेनिंग द टी यस टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर आ जाएगी ना तो उस केस में भी एब्जॉर्प्शन और इमिशन लगातार चलता रहता है बराबर चलेगा जितना आएगा उतना जाएगा तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा उस केस में ठीक है ऐसा नहीं है कि नहीं आ, होगा नहीं होगा लेकिन वो बराबर होंगे तो टोटल इमीशन या एब्जॉर्प्शन जो बराबर होंगे तो टोटल जो है वो जीरो हो जाएगा लेकिन ये चलेगा जरूर तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ

इसका मतलब ए का जो मोलर मास है अच्छा बी भी मैं बना ही देता हूं यहां पर ये ग्रीन में बी है तो जो बी है बी का मोलर मास जो है वो मैंने m लिया बी की बात करूं तो ए का जो मोलर मास है वो 16 टाइम्स ऑफ m है ये लिख दिया हमने नेक्स्ट क्या कह रहा है एंड मास ऑफ गैस ए कंटेंट द वैसल इज 2 टाइम्स दैट ऑफ बी इसका मतलब इसका मास अगर स्मॉल m है तो इसका मास 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m है ए का

काइनेटिक uh, एनर्जी ली है यहां पर थ्री बाई टू के टी पर मोलिक्यूल वो ट्रांसलेशनल है है ना रोटेशनल भी होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी ना तो एक बार बताओ अगर दोनों को आपने एक ही वैसे के अंदर बंद किया तो ऑब्वियसली थर्मल इक्लिन तो होंगे होंगे और थर्मल इक्लियन में होंगे तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल होगा कॉन्स्टेंट होगा और दोनों के दोनों डायट में गैस है भाई

वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज v नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा स्मॉल uh, m बाय कैपिटल m राइट इनटू में r इनटू में t एंड सिमिलरली प्रेशर एक्सेट बाय a इज पी ए वॉल्यूम इज v राइट एंड नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो स्मॉल m इज ए टू एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 16m rt इसको अगर आप कट करो तो वन बाय 8 आ गया ना

डायग्राम में आपको शो कर रखा है एक कंटेनर है इसकी जो वॉल्स है वो थर्मली इंसुलेटेड दैट मीन्स कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा बाहर से ठीक है बाहर से अंदर की तरफ कोई हीट एक्सचेंज नहीं होने वाला ठीक है उसके अलावा यहां पर एक सेपरेटर लगा रखा है आपने एक कनेक्टर लगा रखा है ये कंडक्टिंग है इसका मतलब इससे हीट का ट्रांसफर हो सकता है इधर से उधर करेक्ट हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है जैसे इस कंपार्टमेंट के अंदर कोई गैस भरी हुई है इस गैस का प्रेशर पी है वॉल्यूम वी है टेम्परेचर टी है इस वाले कंपार्टमेंट में गैस भरी हुई है प्रेशर टू पी वॉल्यूम टू वी टेम्परेचर टी ठीक है जैसे ही आप इस सिस्टम को रिलीज करोगे तो ऑब्वियसली फाइनल स्टेट की बात करें तो प्रेशर बोथ साइड सेम होना मस्ट है प्रेशर डेफिनेटली सेम हो जाएगा लेकिन बात आती है टेम्परेचर की क्या फाइनल स्टेट में टेम्परेचर सेम होगा अगर आप लॉजिकली सोचें तो ये जो गैस है बेटा इस तरफ वाली जो गैस है और इस तरफ वाली जो गैस है हीट का एक्सचेंज हो सकता है ठीक है हीट का एक्सचेंज हो सकता है लेकिन फाइनली अगर अपन कहें, तो ये जो है, ये मतलब से कोई भाई ये जो भी वर्क करेगा इसको मिलेगा ये जो ये जो भी करेगा इसको मिलेगा फाइनल स्टेट में अगर बात करें तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्सटेंट राइट क्योंकि हीट का कोई एक्सचेंज हो ही नहीं रहा बेटा बाहर सराउंडिंग में भी कोई यह वर्क नहीं कर रहा इसका मतलब तो फाइनल टेम्परेचर शुड भी सेम सेम होना चाहिए तो टेंपरेचर अगर टी है इनिशियल तो फाइनल स्टेट में भी टेंपरेचर टी ही होगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आने वाला नहीं है इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की सिस्टम की बोल रहा हूं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी सेम रहेगी ठीक है और एक चीज का और ध्यान रखना सेम गैस है ये है ना सेम गैस है तो जो गामा है या जो सीवी है या सीपी जो भी है या डिग्री फ्रीडम जो है वो दोनों के लिए क्या सेम है ठीक है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला दैट मीन्स टेम्परेचर सेम रहेगा ठीक है अब यहां की बात करें इस कंपार्टमेंट में मान लीजिए सेपरेटर यहां आ गया ठीक है टेम्परेचर टी है इसका भी टी है प्रेशर जो है वो ऑब्वियसली सेम होना चाहिए लेकिन प्रेशर अब कितना है वो पता नहीं है तो मैंने पी डैश एज्यूम कर लिया यहां पर भी पी डैश हो जाएगा वॉल्यूम जो है इसका वो मैंने वी डैश एज्यूम कर लिया इसका भी वॉल्यूम जो है वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ वी डबल डैश ठीक है तो वॉल्यूम इसका वी डैश एज्यूम कर लिया इसका वॉल्यूम वी डबल डैश है ठीक है तो ये तो अपन लिख ही सकते हैं कि वी डैश प्लस वी डबल डैश जो है वो 3V तो, आ, थ्री वी के इक्वल होगा क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो थ्री वी है ना पूरे ये जो वेसल दे रखा है आपको जो भी कंटेनर दे रखा है तो वी डैश प्लस वी डबल डैश इज थ्री वी अब हमें वी डैश की वैल्यू निकालनी है रिलेशन फाइंड आउट करना है यहां पर बोथ साइड प्रेशर सेम है बेटा ठीक है तो अगर आप इस वाले प्रेशर की बात करें या इस वाले के लिए कंपार्टमेंट के लिए बात करें आप तो टेम्परेचर टी है और बाद में भी टी रहेगा राइट तो आई कैन से नंबर ऑफ मोल्स में भी कोई चेंज नहीं आ रहा तो आई कैन से पी डैश वी डैश इक्वल टू पी वी तो इक्वेशन बना लेते हैं जो बन रही है यहां पर पी डैश वी डैश इज इक्वल टू पी वी करेक्ट और उस वाले कंपार्टमेंट के लिए बात करें तो कितना आ जाएगा टू पी इंटू टू वी मतलब फोर वी फोर पी वी आ जाएगा ठीक है तो फोर पी वी इज इक्वल टू फाइनल स्टेट में बात करें तो पी डैश इंटू वी डबल डैश ठीक है तो ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है यहां पर अब ये पी डैश वी डैश इक्वल टू पी वी है तो यहां से आप एक काम ये कर सकते हो पी वी की जो वैल्यू पी डैश यहां रख सकते हो तो फोर पी डैश वी डैश इज इक्वल टू पी डैश वी डबल कैंसिल आउट हो जाएगा सो तो वी डबल टू फोर वी डैश फोर वी डैश यहां रख दू मैं तो फोर प्लस वन आ जाएगा फाइव तो फाइव वी डबल डैश सॉरी वी डैश ठीक है क्योंकि वी डैश था ये वी डबल डैश है तो वी डबल डैश की वैल्यू रखनी है हमें फोर वी डैश तो

सेकेंड कंपार्टमेंट का वॉल्यूम के इक्वल है ये आप आराम से जज कर सकते हैं क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो थ्री वी है टोटल वॉल्यूम थ्री वी है थ्री वी माइनस थ्री वी बाई फाइव सिंपल है ना क्योंकि टोटल वॉल्यूम थ्री वी था वी में से थ्री वी बाई फाइव मैंने सब्जेक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा फिफ्टीन माइनस थ्री मतलब फिफ्टीन माइनस थ्री कितना तो 12, 12 5, तो इसका मतलब ये भी सही है फोर्थ देखते हैं फाइनल प्रेशर इन द कंपार्टमेंट फर्स्ट इज फाइव पी बाई थ्री

क्लॉक इज कैलिब्रेटेड एट ए टेम्परेचर ऑफ ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस्यूम दैट देंडुलम इज एन ब्रास रोड ऑफ नेग्लिजिबल मास विध एवी बोब अटैच टू द एंड ब्रास के लिए आपको एक्सपेंशन कॉफिशियवन है लीनियर एक्सपेंशन विच इज नाइनटीन इन ट्वेंटी पॉल माइनस सिक्स पर कैलविन ठीक है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है राइट right? तो आप ये जानते होंगे रिलेशन जो टाइम पीरियड का जो फ्रैक्शनल चेंज आता है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज वो हाफ एल्फा एल्फा इज द लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशन इन टू डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा इज अ टेम्परेचर डिफरेंस ठीक है ये फ्रैक्शनल चेंज आता है इतना ठीक है सिंपल पैंडलूम के लिए तो अगर आप टेम्परेचर में चेंज करोगे इस तरीके से इतना फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा और अगर आपको एक पूरे दिन में या 24 फोर आवर्स के अंदर ये देखना देख, देखना है या पता करना है तो आपको इस क्वांटिटी को टी से मल्टीप्लाई कर देना है बस टी से मल्टीप्लाई करोगे तो टी जो है ट्वेंटी फोर आवर्स में कितना होता है हम जानते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर इंटू थर्टी सिक्स हंड्रेड तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस से कितना इफेक्ट पड़ता है तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पर कैलिब्रेट कर चुके हैं अपन इसको जो एग्जैक्ट टाइम देता है वो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देखना है तो फर्स्ट कह रहा है ऑन ए हॉट डे एट थर्टी डिग्री सेल्सियस द क्लॉक गेंस एट पॉइंट टू सेकेंड इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑब्वियसली देखो एक चीज है कि अगर आपने टेम्परेचर राइज किया है टेंचराइज करोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब जो 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 ये है, ये क्लॉक है तो गेन करेगी। करेगी, नहीं करेगी फास्ट नहीं चलेगी धीमे चलेगी तो इसका मतलब फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया सीधा सीधा सेकेंड देखे उन्होंने lo, अपन तो अगर यहां पर हाफ एल्फा एल्फा की वैल्यू आपके पास नाइन टेन माइनस सिक्स में डेल्टा थीटा क्योंकि थर्टी डिग्री है तो 30 20 करेंगे, तो करेंगे आ जाएगा और टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फोर इंटू थर्टी सिक्स हंड्रेड इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप ठीक है तो ये इससे कट गया ये बारह आ जाएगा फर्दर इसको आप सोल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू एट पॉइंट टू सेकेंड ही आएगी सोल्व करेंगे तो एट पॉइंट टू सेकंड आएगी इसकी वैल्यू तो ये इतना पीछे हो जाएगी घड़ी है ना 24 फोर आवर्स के अंदर तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है है बेटा वो करेक्ट ऑन ए कोल्ड डे एट डिग्री डिग्री सेल्सियस द क्लॉक गेन्स यस सेंटीग्रेड पर वो ऑप्शनली वर्क कर रही है तो अगर आप इसने आपने इसको ठंडा कर दिया तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी बेटा लेंथ डिक्रीज होने का मतलब टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा तो घड़ी फास्ट चलेगी तो वो गेन कर लेगी ऑब्वियसली गेन करेगी कोल्ड डे के अंदर वो गेन करेगी और अगेन टेन डिग्री है और ये ट्वेंटी डिग्री है तो टेन ट्वेंटी माइनस टेन कितना आएगा टेन ही तो आएगा पहले भी टेन आया था माइनस ट्वेंटी टेन आया था इसमें भी 10 आएगा तो डिफरेंस नहीं रहेगा सेम सेम वैल्यू आएगी एक में तो वो पीछे हो जाएगी और एक ये लॉस वाला लिखा हुआ वा, ये तो गलत है पूरी तरह से ठीक है तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ इसका इनकरेक्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर है ए कंपोजिट ब्लॉक इज मेड ऑफ स्लैब्स ए बी सी डी एंड ई ऑफ द डिफरेंट थर्मल गिवन इन टर्म्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट के एंड साइज गिवन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एल एजन द फिगर ऑल स्लैब्स आर द सेम विथ ठीक है विथ्स यहाँ पर शो नहीं कर रखी है लेकिन विथ मतलब बोले तो अंदर की तरफ वाला जो पार्ट ठीक है और हमें इसके अकॉर्डिंग करेक्टर ऑप्शन बताना है वैसे इक्वलेंट इसका बना लेते हैं अपन सबसे पहले हीट बेटा इस तरफ से हो रहा है तो ये जो स्लैब आपको नजर आ रहा है इसका कुछ थर्मल रेजिस्टेंस आएगा फिर ये जो तीनों स्लैब्स आपको नजर आ रही है पैरल के अंदर कनेक्टेड है तो पैरल में अपने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से आप इसको यूनिट ड्रो कर सकते हो तीनों पैरल में आ गए एंड देन लास्ट स्लैब जो है वो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा ठीक है तो ये है आपके पास ए ये वाला आपके पास बी ये है सी और ये है डी और ये है ई करेक्ट यस तो हीट करंट जो है यहां से फ्लो होगा एच हीट करंट मतलब डी क्यू बाई डी टी एच फ्लो होगा एच बेटा फर्दर तीन पार्ट में टूट जाएगा सपोज इसमें है एच वन इस वाले में है एच टू और इस वाले में है एच थ्री एंड देन फिर वापस सम समोकर के इसमें वापस हीट करंट एच आ जाएगा ठीक है <coughs> ऐसा कुछ है ये अब यहां पर जो ये तीनों जो रजिस्टर्स आपको दे रहे थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो कितना आएगा तीनों का हम थर्मल रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ तो ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं ए के लिए बात करूं तो आर ए तो ध्यान से देखिएगा होता है एल अपॉन में के ए एल होती है लेंथ लेंथ हीट करंट के लॉन्ग तो हीट करंट के लॉन्ग लेंथ जो है बेटा वो ये वाली आएगी इसकी और ये लेंथ कितनी जीरो टू एल मतलब एल आ गई तो एल लिख दो मैं स्मॉल एल लिख देता हूँ अपन में के थर्मल कंडक्टिविटी इसकी टू के है और फिर एरिया आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन कितना आएगा देखो एक तो ये लेंथ कितनी है फोर एल है फोर एल और फिर ये वीट डब्ल्यू तो फोर एल इन डब्ल्यू तो ये वाला एरिया आएगा करेक्ट तो एरिया आ जाएगा फोर एल इंटू डब्ल्यू फोर एल इंटू डब्ल्यू तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन अपॉन में एट के डब्ल्यू ये ए का रेजिस्टेंस आ गया ठीक है अब हम बात करते हैं ई e की बात कर लेते हैं चलो सबसे पहले ई e की बात कर लेते हैं इनकी बात में करेंगे ई e के लिए बात करें तो लेंथ वही आएगी देखो फाइव एल सिक्स एल तो लेंथ एल आ गई हीट टिकनेट ऐसी जाएगी एल अपॉन में थर्मल कंडक्टिविटी सिक्स के और एरिया की बात करें तो अगेन फोर एल इंटू डब्ल्यू तो यहां से वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन ट्वेंटी फोर के डब्ल्यू ठीक है तो रेजिस्टेंस का काफी कम है इससे नेक्स्ट अपन बी की बात करते हैं तो आर बी देख लेते हैं आर बी इज इक्वल टू एल क्या एल आएगा देखना ध्यान से देखना आर बी की बात करें तो लेंथ बेटा ये एल नहीं आएगी फाइव एल माइनस एल मतलब फोर एल आएगा लेंथ कंप्लीट लेंथ ठीक है तो फोर एल अपन में थर्मल कंडक्टिविटी थ्री के इंटू में इंटू में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो ये देखो ये तो आगे लेंथ एल ये वाली और विथ डब्ल्यू तो एल इन डब्ल्यू आ जाएगा यहां पर तो वैल्यू कितनी है फोर अपॉन में थ्री के डब्ल्यू सिमिलर वे से आप सी के लिए निकाल सकते हो सी के लिए लेंथ भी बेटा फोर एल आएगा थर्मल कंडक्टिविटी इसकी कितनी है फोर के के फोर के रख दो ठीक है और अब बात करते हैं एरिया की अगर आप एरिया देखो तो बेटा ये वन लेंथ यूज होगी ये वन लेंथ कितनी है देखो ये एल है ये थ्री एल तो टू एल आ गया टू एल और वीट तो है डब्ल्यू तो टू एल इन डब्ल्यू यह कितना आया फोर अपॉन में एट के डब्ल्यू ठीक है अब लास्ट बचा है डी आर डी इसकी लेंथ की बात करें एल ही आएगा थर्मल कंडक्टिव इसकी फाइव के और लेंथ जो एरिया है एरिया देखो ये एल और ये डब्ल्यू एल इन डब्ल्यू आ जाएगा तो हमारे पास इसका भी रेजिस्टेंस आ चुका है तो ये फोर एल लिखना था मेरे फोर एल लिखना भूल गया तो फोर इंटू में फोर डिवाइड में फाइव के डब्ल्यू तो सभी का रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया है अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए हीट फ्लो थ्रू स्लैब ए एंड ई सेम क्या है ऐसा A और ई e में सेम जा रहा है यस yes, एच सेम जा रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है सेकंड देखिए हीट फ्लो थ्रू स्लैब इज़ मैक्सिमम। अच्छा, इनमें करंट डेफिनेटली हीट करंट अलग अलग जाएगी और वो एच से कम होगी यहां पर आई बात करें तो e और e और A, में समझ में ए और ई e दोनों में ही मैक्सिमम जा रही है तो ई e मैक्सिमम लिखा हुआ यहां पे ओनली ई e लिखा होता तो गलत हो जाता क्योंकि ए में ए में भी जा रही है इसका मतलब ई e लिखा हुआ है तो जा रही है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा देखिए टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब इज इजॉलेस्ट ई के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंसोलेट है अगर आप इसको ओम स्लो से कंपेयर करें तो आप जानते हो डेल्टा इज डेल्ट टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू तो एच हीट करंट थर्मल रेजिस्टेंस आर तो एच इन आर से आपको मल्टीप्लाई करना है और वहीं से ही आप जज कर सकते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस किस में ज्यादा है किस में कम है तो पहले काम करते हैं ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको बी सी डी ये तीनों पैरल के अंदर है तो बी सी डी पैरल में है तो इनका इक्वल निकाल लेते हैं सबसे पहले ठीक है इक्वलेंट निकाल करके अपन फिर जज करेंगे फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं चलो स्पेस बन जाएगा तो इन तीनों का इक्वलेंट क्या आएगा अगर आप बोर्ड से देखो देखो ये तीनों का इक्वलेंट आ जाएगा एक साथ और ये ई e का आ गया तो इन तीनों का अब अब इन तीनों में हीट करंट सेम आएगी एच अब आपको अगर ये पता करना हो टेम्परेचर डिफरेंस किस में ज्यादा है तो एच को बस आर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आर से ही पता लग जाएगा जिसका थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना उसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा जिसका कम होगा टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा सीधी सी बात है उसी से जज हो जाएगा बेटा तो यहां पर देखा जाए इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना है ए का वो हमें पता है वन अपॉन एट के डब्ल्यू है इसका भी पता है वन अपॉन में ट्वेंटी फोर के डब्ल्यू है इसका बहुत कम है तो इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कम ही आएगा इससे तो कम ही आएगा लेकिन इसका अभी निकाला नहीं है तो बी सी डी की बात करें तो इसका इक्वेटेंट कितना आएगा बी सी डी का वन अपॉन आर ये आर मान लेता हूँ वन अपॉन आर टू वन अपॉन आर बी प्लस वन अपॉन आर सी प्लस वन अपॉन आर डी वन अपॉन आर बी करोगे तो ये थ्री के डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा अपॉन में फोर फिर नेक्स्ट आएगा एट के डब्ल्यू अपन में फोर ठीक है नेक्स्ट है फाइव के डब्ल्यू अपन में फोर और यहां से आपके पास कितना आया ये ये आ जाएगा पांच और तीन आठ 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 सोलह तो मतलब ये सिक्सटीन आ गया तो आर की वैल्यू आ जाएगी फोर अपॉन में सिक्सटीन के डब्ल्यू ठीक है राइट तो ये सिक्सटीन आ गया इसे कट करोगे तो वन अपॉन में फोर के डब्ल्यू तो इसका रेजिस्टेंस आ चुका है वन अपॉन में फोर के डब्ल्यू अब यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस सबसे कम किसका है इसका है रेजिस्टेंस सबसे कम इसका है तो इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी मिनिमम होगा तो ई के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमम है और यही ये, ही ये कह रहा था देखो इस स्टेटमेंट में अगर आप गौर से देखो आगे चले गए अपन यस इस वाले पार्ट को मैं ऊपर उठा दूं तो सही होगा ओके, इसको वापस ले आएंगे अपन। तो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब इज स्मॉलेस्ट। आ गया ना क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे कम है बेटा तो उस केस में डिफरेंस e के स्मॉलेस्ट है तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया ठीक है तो इसको सही करेक्ट कर देते हैं चलो फोर्थ कह रहा है हीट फ्लो थ्रू सी इज इक्वल टू हीट फ्लो थ्रू बी प्लस हीट फ्लो थ्रू डी मतलब सी के थ्रू जो हीट फ्लो हो रहा है एच टू वो बी और डी में जो हीट फ्लो हो रहा है उनके सम के बराबर है मतलब आपको ये प्रूफ करना है देखना है कि एच टू एच वन प्लस एच थ्री के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आ रहा है तो ठीक है अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएगा और हीट करंट जो होता है वो डेल्टा टी बाय आर हो जाएगा क्योंकि डेल्टा टी बराबर एच इन आर होता है तो एच बराबर डेल्टा टी बाय आर आ जाएगा डेल्टा टी तीनों के क्रोस सेम है इसका मतलब अगर आपको एच टू एच वन और एच थ्री में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे तो सबसे पहले बात करते हैं एच टू की एच टू आ जाएगा डेल्टा टी सपोज टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस डीज थ्री रेजिस्टर्स इज डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस सबसे पहले बात करते हैं एच टू की सी का रेजिस्टेंस आपके पास फोर अपॉन में एट के डब्ल्यू तो फोर अपॉन में एट के डब्ल्यू रख दो अब एच वन की बात करते हैं मतलब बी का तो डेल्टा टी अपॉन में एच वन बी का बी का देखा जाए तो फोर अपॉन में थ्री के डब्ल्यू तो फोर अपॉन में थ्री के डब्ल्यू प्लस अब एस थ्री मतलब इसका रेजिस्टेंस इस वाले की हीट करंट की बात कर रहे हैं तो डेल्टा टी अपॉन में डी का रेजिस्टेंस जो है वो फोर अपॉन में फाइव के डब्ल्यू है फाइव के डब्ल्यू रख दो है ना फोर अपॉन फाइव के डब्ल्यू फोर 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 सब में आ रहा है फाइव एंड थ्री एट हो जाएगा बाकी चीज सेम है देखो यहां पे भी एट है खत्म तो इसका मतलब ये वाला भी सही है तो बेटा ये वाला भी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा तो फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट है ओके तो चार ऑप्शन इसके करेक्ट थे इस क्वेश्चन के काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये चलिए नेक्स्ट पेज पे चले

डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो फाइव होता है जनरल वे में तो फाइव है तो सीवी की वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई टू आर एंड सीपी की वैल्यू आ जाएगी सेवन बाई टू आर देन गामा की वैल्यू निकालोगे तो सीपी बाई सी सेवन बाई फाइव इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा इसका नेक्स्ट आपको स्पीड का रिलेशन देना है तो ध्यान दीजिएगा ये कंटेनर है इसके अंदर ऑक्सीजन गैस थी ठीक है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था ठीक है इसका टेम्परेचर भी होगा इवन राइट टेम्परेचर सपोज इसका टी है तो कैपिटल टी मैं यूज कर लेता हूं राइट ये जो कैपिटल टी टेम्परेचर वो मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन के कारण है रैंडमनेस के कारण है इस वी वेलोसिटी का मूविंग कंटेनर की बात करें वी वेलोसिटी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस पर टेम्परेचर टी ही रहेगा ठीक है रैंडमनेस के कारण टेम्परेचर टी है यहां पर लेकिन जैसे ही आपने इसको अचानक रोक दिया रोकते क्या होगा जो मोलिक्यूल्स मूव कर रहे थे रैंडम मोशन में थे सेंट्रोमास की वेलोसिटी वी थी जैसे ही आप रोकोगे जैसे मान लीजिए कि कंटेनर है इसके अंदर एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है वो भी वी से मूव कर रहा है और कंटेनर भी वी से मूव कर रहा है ठीक है तो रिलेटिव टू कंटेनर उसकी वेलोसिटी जीरो है है कि नहीं है लेकिन जैसे ही कंटेनर को आपने स्टॉप कर दिया तो पार्टिकल तो मोशन में ही है ना अंदर वी वेलोसिटी से वो जैसे ही कंटेनर की वॉल से भिड़ेगा टक 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 मूव करने लग गया काइनेटिक एनर्जी आ गई उसके पास रिलेटिव टू कंटेनर अगर हम बात करें रोकने के बाद तो इसका मतलब रैंडम मोशन स्टार्ट हो चुकी है में डेफिनेटली इजाफा होगा तो वो इजाफा किसके कारण हुआ वो इन पार्टिकल्स के मोशन के कारण हुआ। मतलब कंटेनर की मोशन ऑफ तो कंटेनर काइनेटिक तो तो एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्र और ये थर्मली इंसुलेटेड मतलब हीट का तो होगा नहीं और जैसे ही कंटेनर को स्टॉप करोगे रैंडम मोशन में कन्वर्ट हुआ और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा आई बात समझ में और जो हीट एनर्जी है हालांकि हमें यहाँ पे गामा दे रखा है राइट तो सी की वैल्यू के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी को आप लिख सकते हो एन सी वी डी टी डी टी इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस राइट डेल्टा टी लिख दिया मैंने या डेल्टा कैपिटल टी लिख सकते हो इसको इसमें कोई इशू नहीं है नंबर ऑफ मोल्स एन ई की वैल्यू आपको वन दे रखी है तो वन रख दोगे आप यहाँ पर वो कोई इशू नहीं है वैसे हालांकि देखा जाए तो आपको मोलिकुलर वेट की टर्म्स में इसका जवाब देना है तो एन को आप बेटर रहेगा कि स्मॉल एम बाई कैपिटल एम लिखें ताकि स्मॉल एम कैंसिल आउट जाए स्मॉल एम बाई कैपिटल एम एन की वैल्यू सी वी इंटू डेल्टा टी डेल्टा ट इज द टेम्परेचर डिफरेंस विच इज वन डिग्री सेंटीग्रेड राइट तो डेल्टा टी की वैल्यू बन आ जाएगी यहाँ पे क्योंकि डेल्टा टी का टर्म यूज़ नहीं कर रखा है तो हमें इसी के टर्म्स में इसको रखना है आर गैस गैस कॉन्स्टेंट आ रहा है सी की वैल्यू गामा की टर्म्स में आपको लिखनी है आ, गामा जो है वो आप जानते हो सी पी बाय होता है राइट right? एंड उसके अलावा Cp माइनस इक्वल टू आर होता है राइट तो यहां से Cp की वैल्यू हो जाएगी डेढ़ CV, CV R, R तो वन हो ही गया तो एम से एम कैंसिल आउट हुआ ठीक है तो हमसे पूछा वी की वैल्यू कितनी है कि तो वी की वैल्यू अगर आप गौर से देखें तो टू इधर आ जाएगा बेटा तो टू आर में एम गामा माइनस वन और फिर अंडर आ जाएगा वी की वैल्यू हो जाएगी तो ये मैच कर सकते हो आप तो इसमें फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा ठीक है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये रैंडम मोशन के ऊपर बेस्ड राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले टू वर्टिकल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस आर कनेक्टेड बाय ए थिन ट्यूब एज शोन एन आइडियल गैस इज ट्रैप्ड इन द सिलेंडर बाय टू एयर टाइट पिस्टन ऑफ Masses 1.0 kg एंड 2.0 kg रेस्पेक्टिवली इनिशियली द पिस्टन्स आर एट द सेम हाइट 40 सेंटीमीटर the 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 base of 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 cylinders, if an additional mass of 10 gram were gently placed on the piston in the cylinder A, which of the following statements correctly describe new steady state ultimately reached? मतलब ये आपको दो सिलेंडर थिन ट्यूब से आपने कनेक्ट कर रखा है ये बेस है सिलेंडर का आप देख लीजिए और यहां से 40 सेंटीमीटर हाइट पर ये दो पिस्टन हैं, ये सिस्टम में है और ये कंडक्टिंग वोल्स है ध्यान रखना ठीक है कंडक्टिंग वोल्स मतलब हीट का एक्सचेंज बाहर की तरफ होगा अगर एक्स्ट्रा आती है तो तो सराउंडिंग से ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा इसका मतलब टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं होने वाला टेम्परेचर सिस्टम का सेम रहेगा बेटा तो गैस इसमें भी इसमें भी है कंबाइंड इफेक्ट भी ले सकते हो आप अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है यहां पर इस वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए ए वन है इस वाले का ए टू है ठीक है बाहर सराउंडिंग भी है मान लीजिए प्रेशर आप एज्यूम कर सकते हो पी नॉट इसका ए का कुछ वेट दे रखा वन के जी और बी का भी टू के जी दे रखा है आपको यहां पर ठीक है तो ए का वेट वन के जी है अगर मैं एम एज्यूम करूं तो ये एम जी लग रहा है इसका मास डबल हो जाएगा फिर टू एम जी लगेगा ठीक है अंदर गैस का जो प्रेशर है लेट से प्रेशर है सपोज पी ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट यहाँ पर भी है पी नॉट ठीक है क्योंकि हमें ये दे नहीं रखा है बाहर है कि नहीं है तो ठीक है बाहर हम एज्यूम कर लेते हैं पी नॉट तो अब पी की वैल्यू कितनी आएगी अभी के लिए अगर मैं पूछूं तो पी की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर तो पी डेफिनेटली पी नॉट प्लस एम जी बाय ए वन हो जाएगा ठीक है तो पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एम जी बाय ए के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है बेटा और ये गैस यहां तक आ रही है तो इसका मतलब यहां पर भी प्रेशर सेम होगा सेम क्योंकि ये थिन ट्यूब से कनेक्टेड है तो यहां पर भी प्रेशर बेटा सेम रहेगा पी तो यहां पर भी आप लिख सकते हो पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस टू एम जी बाय ए टू अगर आप कंपेयर करो यहां से तो क्लियरली नजर आ रहा है ये दोनों बराबर करोगे तो यहां से बेटा ए टू जो है दोनों को बराबर करके देखो तो ए टू एग्जैक्टली देखा जाए तो टू टाइम्स ऑफ ए वन आ रहा है ये टू टाइम्स ऑफ ए वन हो जाएगा तो टू से टू कट जाएगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो इसका जस्ट डबल है ये कंफर्म है ये पूछा नहीं है अपन से लेकिन ये डबल है अब ये कह रहा है कि इस वाले ए पर एक हल्का सा मास धीमे से रख दिया जाता है तो मास रखोगे और आपसे ये कह रहा है कि जब फाइनल स्टीडी स्टेट अचीव हो जाएगी जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब बताना है कि प्रेशर क्या होगा और पिस्टन की हाइट कितनी होगी ये पूछा आपसे अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचना अगर आपने मास को यहां पर रखा हल्का सा मास यहां पर रख दिया यहां पर रखा नहीं है तो ये वाला पार्ट नीचे जरूर जाएगा वेट ज्यादा हो गया पार्ट जरूर नीचे जाएगा नीचे जाएगा लेकिन फाइनल स्टेट में ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है इक्टर मतलब प्रेशर मेंटेन हो गया दोनों पिस्टन रुक चुके हैं इधर वाले पिस्टन पे कुछ रखा नहीं रखा अब जब रुक चुके हैं ये नीचे आएगा ये तो कंफर्म है रुक चुके हैं इसका मतलब ये वाला जो पिस्टन है इस पिस्टन पे ऊपर प्रेशर पी नोट है टू एम जी वेट नीचे लग रहा है इसका मतलब फाइनल स्टेट की बात करें जब रुक गया है ये अब सोचना रुक गया है ये वाला पिस्टन ये पिस्टन ऊपर जाएगा अगर ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा रुक चुका है ये दैट मीन्स वी कैन से कि प्रेशर पी की वैल्यू वही रहेगी ना ऑब्वियसली वही रहेगी ए टू टू ए वन है इसका मतलब पी नॉट प्लस एम जी बाई ए वन प्रेशर रहेगा लेकिन इसकी बात करें आपने इसमें तो सोच लिया बता दिया लेकिन इसकी बात करें तो ये कहां जाएगा ये नीचे जाता जाएगा क्या है ये बेटा जा करके ये जो बेस है ना इस बेस से स्ट्राइक कर जाएगा ये और बेस पर स्ट्राइक करेगा तो बेस का जो नॉर्मल है वो नॉर्मल लगेगा देखो क्योंकि थिन ट्यूब आपने कनेक्ट किया है तो नॉर्मल इसके साथ रहेगा और ये यहां पर जाकर रुक जाएगा फिर तो अब जो है एम तो लग रहा है और एडिशनल मास आपने टेन ग्राम रखा उसका भी एम लग रहा है ठीक है एटमोस्फीयर प्रेशर पी नोट भी लग रहा है लेकिन जो नॉर्मल लगेगा ना बेस का इस सिलेंडर का जो बेस है उसका जो नॉर्मल है नॉर्मल वो भी एडिशनल लग जाएगा ठीक है और वो उसको जो 10 ग्राम वाला जो एम लगेगा वो उसको बैलेंस कर देगा ठीक है बाकी सब कुछ सिस्टम सेटल हो जाएगा मतलब तो तो ये वाला पिस्टन जो है ना वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे बेस पे आ जाएगा और जो बेस पे आ जाएगा तो अब आप सोचना कि पहले वॉल्यूम कितना था पहले वॉल्यूम कितना था अगर आप देखो तो टेम्परेचर तो सेम है गैस वही वही की वो ही है नंबर ऑफ मोल्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका मतलब तो, तो पहले प्रेशर जब मास नहीं रखा था आपने प्रेशर कितना था पी था ठीक है वॉल्यूम कितना था वॉल्यूम था फोर्टी इंटू मे एवन एवन राइट इसका भाई मैं वापस रब करूं मैं पूरी गैस को कंसीडर कर रहा हूं एक साथ तो प्रेशर कितना है? पी वॉल्यूम कितना ये वाला और ये वाला इसका फोर्टी इन टू में ना फोर्टी हाइट एरिया ए वन प्लस कितना, है? 40 A2 और A2 कितना है? गया बराबर पी टू वी टू करना है फाइनल प्रेशर भी पी हो जाएगा वो तो सेम ही रहेगा पी और वॉल्यूम की बात करें क्योंकि ये पार्ट पूरा नीचे आ चुका है तो ये तो खत्म हो गया अब ये कितना ऊपर चला गया ये एडिशनल कितना गया ये एडिशनल कितना गया ठीक है एडिशनल या एक काम करते हैं ग्राउंड से हाइट ले लेते हैं या बेस से हाइट ले लेते हैं बेस से हाइट मान लीजिए एच है तो ये तो नीचे आ गया बेस से हाइट हो गई तो अब इसका वॉल्यूम कितना आएगा वॉल्यूम आएगा एच इन टू में टू ए वन के बराबर ये लिख दिया है ना तो अब इन दोनों को बराबर कर दो इन दोनों को इक्वल करोगे बेटा ए से पी से भी कट जाएगा ए वन भी कट जाएगा देखो तो ये फोर्टी प्लस फोर्टी इन टू कितना आया एटी ए मतलब वन ट्वेंटी

हाई डिफरेंस बिटवीन द पिस्टन बिकम सिक्सटी सेंटीमीटर यस फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है ये वाला पिस्टन तो यहाँ पे आ गया और ये वाला पिस्टन यहाँ से सिक्सटी तो ये सिक्सटी पे और ये यहाँ पे जीरो पे तो डिफरेंस कितना है सिक्सट्टी सेंटीमीटर तो इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन बेटा इसके करेक्ट हो जाएंगे ठीक है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था लॉजिकल क्वेश्चन था ठीक है यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है आप सोचो कि ये बेटा प्रेशर जो है यहाँ पर सेम रहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये नीचे आएगा एंड देन फिर वो बेस से बेस पे फिक्स हो जाए बेस पे रुक जाएगा वो ठीक है नॉर्मल उसको बैलेंस कर देगा फिर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले

एंड स्पेसिफिक मैटर ऑफ द डिस्क इज सिक्स हंड्रेड जूल पर के जी पर कैलविन इफ टाइम टेकन फॉर द डिस्क टू इंक्रीज़ टू थ्री फिफ्टी कैलविन इज टेन इंटू एन है ये लॉग टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन एन की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पर ठीक है तो चलिए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो ये सिलेंडर ले लिया मैंने इस सिलेंडर के बेस पर एक डिस्क लगी हुई है ठीक है ये डिस्क है सिलेंडर का जो अपर फेस है उसको फिक्स्ड टेम्परेचर दे रखा है 400 हंड्रेड कैलविन ये फिक्स टेम्परेचर पर है और जो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ डिस्क जो है वो 300 हंड्रेड कैलविन है यह इनिशियल है ध्यान रखना और यह फिक्स टेम्परेचर है और हीट करंट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है तो हीट करंट यूं जाएगा एच हमको इसमें और क्या क्या चीजें दे रखी है लेंथ गिवन आपको जीरो मीटर में है तो सिंपल 0.4 लिख देता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा आपको 0.04 मीटर स्क्वायर ये भी मीटर स्क्वायर में है ठीक है ये सारी वैल्यू मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे करेंगे उसके अलावा आपको दे रखा है यहां पर लेंथ गिवन हो गया एरिया गिवन हो गया थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी आप गौर से देखें तो यहां पर दे रखा है आपको टेन वोट पर मीटर पर कैलिमिन राइट थर्मल कंडक्टिव मेटीरियल ऑफ दिस सिलेंडर तो ये दे रखा टेन टेन वोट राइट टी ए बी एस आई के अंदर है तो सिंपल टेन लिख देता हूं मैं ओके उसके अलावा जो डिस्क आपने ले रखी है इस डिस्क का स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वो आपको दे रखा है सिक्स हंड्रेड जूल पर के जी पर कैलविन ये सी की वैल्यू इस डिस्क के लिए दे रखी है आपको है ना ये के की वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू दे रखी है आपको ठीक है तो यहां पर ये सारी वैल्यूज दे रखी है आपको अब ये कह रहा है कि इस डिस्क का टेम्परेचर जब थ्री फिफ्टी हो जाएगा तब बताइए जो टाइम लगता है वो टाइम कुछ इतना है तो बताइए की वैल्यू कितनी है तो टाइम हमें निकालना है चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। तो ये डायग्राम आपके सामने है है ठीक अब गौर से देखना इसका टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये इसको मैं इक्वल्टली ऐसा थर्मल रेजिस्टेंस बना लेता हूं तो और मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट टी पर इसका हो चुका है है कैपिटल में ठीक और इस पॉइंट का टेम्परेचर तो वो तो फिक्स है 400 तो हीट करंट बेटा इस तरफ फ्लो होगी एच है ना हीट करंट इस तरफ फ्लो होगी हीट करंट की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो एच बराबर आ जाएगा डेल्टा डिफरेंस ये डिफरेंस आ R. R के रखा है थर्मल कंडक्टिविटी के जिसकी वैल्यू टेन दे रखी है एरिया जीरो पॉइंट जीरो फोर है जीरो पॉइंट जीरो फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा ठीक है ये हट जाएगा तो ये इससे कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर वन आ गई ठीक है आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी यहां पर राइट चलिए तो आर बराबर वन आ गया तो इसका मतलब एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फोर हंड्रेड माइनस टी एच हीट करंट जो डीक्यू बाई डी टी के इक्वल है ठीक है डीक्यू बाई डी टी के इक्वल है ये हमें पता लग रहा है और जो ये हीट एनर्जी है ये इस डिस्क को मिलेगा डिस्क को जब यह हीट एनर्जी मिलेगी तो डी क्यू बराबर एम डिस्क का मास इंटू सी इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस राइट डेल्टा टी या इसको आप सिंपली लिख सकते हो डी टी मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल के, के लिए अगर डी क्यू हीट एनर्जी जाती है तो उस केस में टेम्परेचर डिफरेंस सपोज डी टी हुआ किसका इसका तो ये इनिशियली यहां पर इस किस, किसी इंस्टेंट टी पर टेम्परेचर कितना टी है ना तो टी में होने वाला चेंज डी टी है तो ये डी क्यू आ गया और बाय कर बायू टाइम का डिवाइड कर दूं स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्ल टू आ जाएगा एम सी डी टी बाई डी स्मॉल टी राइट इस वे से अपन इसको सेटल डाउन कर सकते हैं तो डी क्यू बाई डी टी जो है फोर हंड्रेड माइनस टी है तो बेटा ये वाली वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पर फोर हंड्रेड माइनस टी इज इक्वल टू एम सी डी टी बाई डी स्मॉल टी ये यहां पर हम वैल्यू पे पहुंच चुके हैं इसमें कोई इशू नहीं है यहाँ पर राइट right? चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो एक काम करते हैं मास की वैल्यू हम देख लेते हैं मास कितना है क्योंकि मास हमने देखा नहीं था आ, मास मास देखिए मास कितना है यहाँ पर जीरो पॉइंट फोर के जी डिस्क मास जीरो पॉइंट फोर के जी जीरो पॉइंट फोर रख देते हैं ताकि वैल्यू साथ में सेटल हो जाए तो फोर हंड्रेड माइनस टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर एंड सी की जो वैल्यू आपको दे रही है सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू डी टी बाई डी टी ठीक है देन ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा हमारे पास सिक्सटीन टू फोर मतलब टू फोर्टी आ जाएगा ये ये डी कैपिटल टी है 400 हंड्रेड माइनस टी वाला जो पार्ट है वो आप इसके डिवाइड में ले आइए और डी स्मॉल टी वाला पार्ट जो है वो इधर ले जाइए अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट करो तो इनिशियल जो टेम्परेचर था डिस्क का वो 300 हंड्रेड कैलविन था ठीक है 300 हंड्रेड कैलविन और फाइनल जो टेम्परेचर वो 350 हो जाएगा ठीक है 350 हो जाएगा एक चीज को मैं यहां पर बताऊं देखो Uh, क्योंकि ये जो हीट करंट है जो 400 हंड्रेड माइनस टी है जैसे जैसे राइज होगा ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी है ना ये वाली वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है यहां पर राइट right? और ये हीट एनर्जी किसको मिल रही है वो मिल रही है डिस्क को थिन डिस्क को ठीक है तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हमने ये इक्वेशन लिखी है अगर आपको समझ में नहीं आए तो और यहां पर जो इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 300 है इस थिन डिस्क का एंड फाइनल टेम्परेचर 350 है ठीक है वाला जो टेम्परेचर वाला जो पार्ट है वो यहां पर डिवाइड में मैं लेके आया हूं और इनिशियली टाइम कितना लिया था हमने जीरो और कितना टाइम टी बाद में इसका टेम्परेचर थ्री फिफ्टी हो जाएगा तो उसके लिए मैंने यहां पर लिमिट लगा दी है ठीक है चलिए देखते हैं आगे एक बार देखो डी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी यहां पर अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो टू फोर्टी कॉन्स्टेंट टू बाहर रहेगा और जो इंटीग्रेशन है यहां पर अगर आप गौर से देखो तो वन अपॉन में फोर हंड्रेड माइनस टी है तो वन अपॉन में फोर हंड्रेड माइनस टी है तो इसका इंटीग्रेशन लॉ की टर्म्स में आएगा माइनस टी में माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस को बाहर ले आते हैं माइनस को बाहर लिख दिया ठीक है और एल एन एल एन लिख सकते हो या लॉग बेस ई आ जाएगा फोर हंड्रेड माइनस टी ठीक है फोर हंड्रेड माइनस टी अपर लिमिट लगाऊंगा तो सबसे पहले थ्री फिफ्टी लिखूंगा तो थ्री फिफ्टी लिखूंगा तो फोर हंड्रेड माइनस थ्री फिफ्टी आ जाएगा फिफ्टी माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो लॉग फोर हंड्रेड माइनस टी टी की वैल्यू थ्री हंड्रेड तो फोर हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड मतलब हंड्रेड आ जाएगा ठीक है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये लोग फिफ्टी माइनस लोग हंड्रेड लोग फिफ्टी बाई हंड्रेड मतलब लोग वन बाई टू आ गया लोग 1 2 को आप लोग टू लिख सकते हो लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है ये काफी आसान है आप जानते हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू फोर्टी एल एन टू अब हम आंसर मैच कर लेते हैं हमारा आंसर कितना है देखिए आंसर देखिए आंसर है टेन एन एल एन टू

1.5 भी आपको दे रखा है, है? ठीक दोनों का टेम्परेचर सेम है है, है, इसका भी T है. और tube से आपने इसको connect कर दिया है, और ट्यूब का वैल्यू I, ठीक है इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास तो हमें क्या एज्यूम करना है यहाँ पर वैसल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो हम यही एज्यूम करेंगे कि जो वैसल है उससे हीट लॉस हो सकता है सराउंडिंग के साथ और वो थर्मली इक्रीम हो जाएंगे कुछ देर बाद में अगर देखा जाए सिस्टम मेंटेन हो जाएगा टेम्परेचर फिर फिक्स हो जाएगा इसका सिस्टम का राइट right? तो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आने वाला तो इसका मतलब अगर मैं इनिशियली बात करूं ठीक है इनिशियली बात करूं इस पार्ट का वॉल्यूम है थ्री वी इस पार्ट का वॉल्यूम है टू वी टोटल वॉल्यूम इज फाइव वी क्योंकि सेम गैस है और प्रेशर की बात करें ठीक है प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट है यहां पर राइट प्रेशर ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट है नंबर ऑफ मोल्स की बात करें यहां पर नंबर ऑफ मोल्स है सपोज यहां पर है एन वन यहां पर है एन टू ठीक है तो एन वन आर टी इसकी पार्ट की बात करें तो आ जाएगा फोर पी नॉट इंटू थ्री वी ठीक है और एन टू आर टी की बात करें तो आ जाएगा वन पॉइंट फाइव पी नॉट टू वी है ना और जब दोनों गैस कंबाइंड हो जाएंगी टेम्परेचर सेम हो जाएगा टेम्परेचर सेम रहेगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना तो हमें ये एज्यूम करना पड़ जाता है कि सराउंडिंग का और इसका टेम्परेचर सेम रहेगा फिर ठीक है तो यहां पर देखा जाए तो इक्वेशन बनेगी फोर पी नॉट इंटू थ्री वी मतलब ट्वेल्व पी नॉट वी नॉट पी नॉट वी ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो बराबर एन वन आर टी और उसके लिए बात करें तो वन पॉइंट फाइव पी नॉट इंटू टू वी मतलब थ्री पी नॉट वी इज इक्वल टू यहां जाएगा आपके पास एन टू आर टी और जब दोनों गैस मिक्स हो जाएंगी फाइन मतलब गैस एक ही है मिक्स हो जाएंगे एंड फाइनल टेम्परेचर टी अचीव हो जाएगा अब जो प्रेशर वो पी हो गया तो पी इन नेट वॉल्यूम कितना आ जाएगा थ्री वी एंड टू वी मतलब फाइव वी ठीक है इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे ना कंजर्व रहेंगे वो एन वन प्लस एन टू आर इन टू टी इसका मतलब एन वन प्लस एन टू आर टी मतलब इन दोनों साइड को इन दोनों को सम कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहां पर देखिए फाइव पी वी इज इक्वल टू ट्वेल्व पी नॉट वी प्लस थ्री पी नॉट वी मतलब फिफ्टीन पी नॉट वी यहां से अगर आप कैंसिल तो आपसे पूछा यहां पर आई की वैल्यू कितनी आएगी और यहां से आई बेटा क्लियरली नजर आ रहा है अपन को आई आ जाएगा हमारे पास थ्री के इक्वल करेक्ट तो करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारे पास आ गया यहाँ पर आ, थ्री ओनली थ्री राइट चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द वैल्यू ऑफ गामा सीपी बाई सीवी फोर बाई थ्री फोर एन एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस फॉर विच इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू के प्लस एन एनपीवी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन के इज अ कॉन्स्टेंट ठीक है तो इंटरनल एनर्जी जो है गैस का वो यू इज इक्वल टू के प्लस एनपीवी है राइट और के इज रेफरेंस वैल्यू क्लीज़ रेफरेंस वैल्यू राइट आइडियल गैस की बात हो रही है यहाँ पर इसका मतलब एब्सोलूट जीरो पे बात करें मतलब पी वी बराबर nRT टी होता है तो इसको nRT टी आप लिख सकते हो टी बराबर जीरो के रख दें हैं तो यू की वै्यू के मतलब एब्सलूट जीरो पर इंटरनल एनर्जी जो है गैस की वो यू नोट है या के है तो वो कोई इशू नहीं है यहाँ पर ठीक है पी वी बराबर nRT टी आप लिख सकते हो यू बराबर के प्लस एन ये एन है ना इसको एन को अपन क्या लिखें थोड़ा इसको मैं अल्फ़ा लिख दूं एल्फा लिख दें एल्फा की वैल्यू निकालेंगे ठीक है कि हमारे लिए एल्फा है प्रश्न में एन पूछा है लेकिन वो हमारे लिए एल्फा है एल्फा पी वी एल्फा और पी वी को लिख सकते हैं एन आर टी तो अगर मैं डी यू लिख दूँ तो डी यू जो है वो चेंज आ जाएगा इंटरनाजी और के कॉन्स्टेंट है तो हट जाएगा एल्फा एन आर डी टी और डी यू बेटा एन सी वी डी टी होता है राइट यहाँ से डी टी सी डी टी हट गया ठीक है एन सी एन हट गया एन नंबर ऑफ मोल्स है तो सी वी बराबर आ गया एल्फा आर सी वी बराबर एल्फा आर राइट यहां पर ये यह वैल्यू आ चुकी है एल्फा आर के बराबर आपको ये दे रखा है सीपी बाई सी फोर बाई थ्री डेफिनेटली थ्री आर ही होगा सीवी डेफिनेटली थ्री आर ही होगा तो सीवीज इक्वल टू थ्री आर आर से आर कट करोगे तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई थ्री और एल्फा यहां पर एन है तो एन ही पूछा हमसे कि एन की वैल्यू कितनी है राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा मतलब एन तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर थ्री के इक्वल काफी सिंपल क्वेश्चन था ये ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फाइव ग्राम बुलेट स्पेसिफिकल ऑफ बुलेट इज हंड्रेड जूल पर के जी पर डिग्री सेंटीग्रेड मूविंग विदोसरी टू हंड्रेड मीटर बैग एंड एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी दैट इज एडेड टू द बुलेट द राइज इ टेपरेचर बुले इज हंड कैलविन के वैल्यू आपसे पूछी है काफी सिंपल है और देखते हैं चलो तो बुलेट जो है बुलेट का मासन है, है सपोज ये ठीक है वी की वैल्यू दे रखी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हाफ एम वी स्क्तर हाफ एम वी स्क् को सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आएगी हाफ एम एम की वैल्यू फाइव ग्राम मतलब माइनस थ्री इन टू में वी स्क्वे वी है टू हंड्रेड मीटर पर सेकंड स्क्वेयरिंग करोगे तो फोर ट्रंट दी पावर फोर आ गया इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये टू से टू कट गया टू ये टेन आ गया टेन और ये इससे फ्री हो जाएगा तो ये हंड्रेड जूल आ गया अगर आप गोर से देखो तो ये टेन यहां से फ्री हो गया और टेन वहां से फ्री हो जाएगा तो हंड्रेड जूल आ जाएगा तो इतनी एनर्जी है बुलेट के पास अब ये एनर्जी कंप्लीटली हीट की फॉर्म में कनर्ट जाती है जब वो सैंड बैक के अंदर पेनिट्रेट करता है ना उसको रुक जाता है बुलेट तो सारी जो कैनेटिक एनर्जी वो बुलेट को मिल जाती है हीट की फॉर्म में अगर ये हीट की फॉर्म में एनर्जी मिली तो आप लिख सकते हो इसको एम सी इंटू डेटा थीटा डेल्टा थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस विच इज गिवन हंड्रेड कैलविन डिग्री सेल्सियस में लिखो या कैलविन लिखो तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा तो हंड्रेड इज इक्वल टू एम मास ऑफ बुलेट अगेन मास ऑफ बुलेट आ चुका है एक्चुअली मास मुझे कट कर देना चाहिए था खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है फाइव इंटू ट्वेंट थी पॉर माइनस थ्री वापस लिख देते हैं C की वैल्यू जो है वो हमसे हमको दे रखा है है ना C की वैल्यू कितनी है यहां पर C है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ बुलेट इज 100 जूल पर के पर डिग्री सेल्सियस तो ये वैल्यू रख देते हैं यहां पर 100 ठीक है ठीक है ओके तो 100 मैंने वैल्यू रख दी है इनटू में डेल्टा थीटा चलो डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालते हैं हंड्रेड के कैलविन नहीं है सॉरी ये के की वैल्यू निकालनी है आपको ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ के ओके चलिए तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हंड्रेड से हंड्रेड कैंसल आउट हो गया बेटा ये ट्वेंटी फोर माइनस उधर जाएगा तो वन थाउजेंड बाई फाइव गया वन थाउजेंड बाई फाइव कितना होता 200, right? तो 200, है टू हंड्रेड्रेड्रेड्रेड राइट तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टू हंड्रेड और हमसे डेल्टा थीटा दे रखा है हंड्रेड के हंड्रेड के के इक्वल है ये और इन डिग्री सेंटीग्रेड राइट तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास के की वैल्यू टू के इक्वल है ना तो के बराबर आ जाएगा हमारे पास टू के बराबर चलिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल था चलिए आगे बेटा थ्री रोड्स ऑफ इक्वल ट्राइंगल फॉर ऑल चेंज इन ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन फॉर पी आर एंड आर क्यू इज द सेम ठीक है आई ई एल्फा टू बट दैट ऑफ पी क्यू इज एल्फा वन देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एल्फा वन टू एल्फा टू ओके तो ये जो लेंथ आपको दे रखी है ना ओ टू आर ये हमेशा फिक्स रहेगी अगर आप इसका टेम्परेचर राइज करोगे तो ये इसका डायमेंशन चेंज होगा लेकिन ओ टू आर जो लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होने वाली और ये लेंथ एल है जब आपने टेम्परेचर में राइज नहीं किया था ये भी एल होगा ये एल बाई टू हो जाएगा यहां से यहां तक ये भी एल बाई टू हो गया तो अगर आपसे पूछे कि ओ एल लेंथ ओ आर लेंथ कितनी है तो ओ आर लेंथ आप इजिली फाइंड कर सकते हो कैसे आएगा ये वाला एंगल सिक्सटी आएगा तो एल साइन सिक्सटी हो गया ये तो ओ आर जो लेंथ है वो एल साइन सिक्सटी के बराबर है ओ आर L साइन 60 मतलब L रूट थ्री बाई टू तो इसका टेम्परेचर राइज करोगे तो भी लेंथ यही रहेगी देखते हैं अपन अब आपने जब टेम्परेचर राइज किया तो कुछ ऐसा ये बढ़ गया ठीक है ये लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा अब ये वाला लेंथ एल वन हो गई और आपको ये दे रखा है कि पी आर और आर क्यू पी आर और आर क्यू का जो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो एल्फा टू है ठीक है एल्फा टू है तो इसका भी अल्फा टू है और इस वाले का भी अल्फा टू है इसका मतलब दोनों सिमेट्रिकली मतलब एक्सपेंड होंगी मतलब इनकी लेंथ इंक्रीज होगी तो कुछ टेम्परेचर बाद में सपोज टेम्परेचर आपने राइज कर दिया डेल्टा टी कह दो तो इसकी जो लेंथ है वो एलवन हो जाएगी और एलवन की वैल्यू आप अब लिख सकते हो एल्वन इज इक्वल टू एल जो एक्चुअल लेंथ थी ब्रैकेट वन प्लस इसका कॉफिशियंट एल्फा टू है एल्फा टू इंटू में डेल्टा टी डेल्टा इज द डेम्परेचर डिफरेंस राइट या आ गया और नीचे वाली जो रोड आपको नजर आ रही है पी क्यू पी क्यू लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसका आधा पार्ट ले सकते हो आपको इशू नहीं है तो ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ अब एल टू हो गई सपोज ठीक है ये इतना ही लेंथ ले लेता हूं मैं केवल इतना ये लेंथ एल टू हो गई और एल टू को मैं लिख सकता हूं एल टू बराबर एक्चुअल लेंथ कितनी इसकी एल बाई टू है ध्यान देना एल बाई टू यहां से यहां तक एल बाई टू वन प्लस इसका जो थर्मल एक्सपेंशन कॉम्पिशन है वो अल्फा वन है पी क्यू का ठीक है तो इसका भी अल्फा वन आएगा इंटू में डेल्टा टी आ गया तो जब टेम्परेचर राइज किया तो ये एल टू हो गया या एलवन हो गया तो अब जो ये लेंथ है ये कितना आएगा अगर आप राइट एंगल ट्रगल को देखो तो यहां से आप सिंपली लिख सकते हो ये प्रपेंडिकुलर आ जाएगा अंडर रूट एल वन स्क्र माइनस एल टू ये वैल्यू आ जाएगी और ये ये वैल्यू जो है वो एल रूट थ्री बाई टू के बराबर ही रहेगी इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला ठीक है अब मैं ये वैल्यू को यहां पे लिखूंगा तो ध्यान से देखिएगा लेंथ एल रूट थ्री बाई टू के बराबर ही आनी चाहिए और बराबर अंडर रूट में एल वन स्क्वेर माइनस एल टू स्क्वेयर राइट एलवन स्क्वेयर माइनस एल टू स्क्र एलवन स्क्वेयर को करें तो कितना आएगा देखो एल ब्रैकेट में वन प्लस एल्फा टू डेल्टा टी का होल स्क्वेयर माइनस अब आएगा एल टू स्क्वेयर मतलब एल ब्रैकेट में वन प्लस एल्फा वन डेल्टा टी का होल स्क्वेयर राइट इसको मैं रब कर देता हूं या गया ठीक है स्क्वेयरिंग करते बहुत साइड तो ये एल स्क्वेयर आ गया थ्री बाई फोर हो जाएगा इसमें देखिए आप ये अल्फा जो है एक्सपेंशन कॉफिशन काफ़ी कम होता है तो इस टॉपिक के अंदर ये ध्यान रखें हमेशा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो बहुत आसानी से तो एल स्क् पावर टू आ गया वन प्लस टू एल्फा टू डेल्टा टी आगे वाली जो टर्म्स हो उनको इग्नोर कर दो माइनस का एल स्क् बाई फोर यहाँ पे आगे वन प्लस टू एल्फा वन डेल्टा टी करेक्ट इतना कर दिया आपने देन आगे फिर मल्टीप्लाई कीजिए थ्री एल स्क्वेयर बाई फोर वैसे एल स्क्र को काट दें तो बेटर रहेगा यहीं से कट कर दीजिए एल स्क्र एल स्क्वेयर कट गया यहाँ से देखिए थ्री बाय फोर यहाँ जाएगा वन प्लस टू एल्फा टू डेल्टा टी एंड माइनस वन बाय फोर ठीक है एंड माइनस टू बाय फोर मतलब वन बाई टू आ जाएगा एल्फा वन डेल्टा टी ये वैल्यू आ गई वन माइनस वन बाय फोर थ्री बाय फोर होता तो ये थ्री बाय फोर कट जाएगा इनसे तो इस तरफ क्या बचेगा जीरो बचेगा इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई यहां पर जीरो इस तरफ आ गया बराबर आ, टू एल्फा टू माइनस वन बाई टू एल्फा वन गौर से देखिएगा टू एल्फा टू माइनस वन बाई टू एल्फा वन और इधर में डेल्टा टी डेल्टा टी इज तो टेम्परेचर डिफरेंस वो तो जीरो होगा नहीं तो ये वाला पार्ट अगर जीरो हो जाए तो डेफिनेटली फिर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा इसका मतलब टू एल्फा टू जो है वो एल्फा वन बाई टू के बराबर होगा और हमसे एल्फा वन बाय एल्फा टू पूछा है

है ना तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं लैमडा बी भी, टी बी भी, बी भी भी से डिवाइड कर देंगे तो ये वन आ जाएगा तो यहां से आप रिलेट कर सकते हो ना और हमसे पूछा है कि लेमडा ए बायडा बी की वैल्यू कितनी है तो टेम्परेचर को रिलेट करना पड़ेगा उसके लिए हमको इसने क्या दे रखा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए दो स्टार ए और बी स्टार ए की जो रेडियस है वो 400 हंड्रेड टाइम्स ऑफ बी है ठीक है तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो एनर्जी जो पावर इमिट होती है ठीक है एम पावर कैपिटल कैपिटली से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी क्यू बाई होता है ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफन कॉन्स्टेंट सिग्मा इन एरिया इन टी की पावर फोर होता है ठीक है तो यहां से जो टी है वो आ जाएगा आपके पास ई e अपोन में सिग्मा ए होल पावर वन बाई फोर राइट तो वही वैल्यू आपको यहाँ रखनी है एंड देन आपके पास लेमडा ए और लैमडा बी की वैल्यू आ जाएगी तो हमको ये दे रखा है कि जो ए है ए का जो रेडियस है वो फोर हंड्रेड टाइम्स बी से और ए टी पावर फोर टाइम्स पावर ज्यादा इमिट कर रहा है बीस के कम्पर्टिवली ठीक है तो आप अगर यहाँ पे टी बी बाई टी ए लिखोगे तो एक्चुअली में किसका रेशू सीखमा तो कट जाएगा रेशो में क्या आएगा देखिए सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी ऑफ बी अगर मैं एनर्जी ऑफ बी ई कंसीडर करता हूँ ठीक है ई कंसीडर करता हूँ और सिग्मा कांस्टेंट कट जाएगा ए एरिया ऑफ बी जो मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ वैसे एरिया रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है पाई कर, हटा दो तो रेडियस के टर्म्स में लिख दो चाहो तो, तो ये आर स्क्वेयर लिख दिया ठीक है ये बी का लिखा है मैंने तो ए के लिए क्या आएगा ए के लिए एनर्जी जो है वो ट्वेंटी पावर फोर टाइम्स आएगा तो ट्वेंटी पावर फोर टाइम्स ऑफ ई आ गया और रेडियस भी फोर हंड्रेड टाइम्स है तो आर स्क्र होगा तो फोर हंड्रेड का स्क्वेयर करोगे आप यहां पर ठीक है तो फोर हंड्रेड ऑलरेडी जो है वो ट्वेंटी का स्क्वेयर होता है तो फोर हंड्रेड का स्क्वेयर मतलब ट्वेंटी की होल पावर फोर हो जाएगा यहां पर ठीक है और इंटू में आर स्क्वेयर और पावर वन बाय फोर आ जाएगा ये बाकी सारा कट जाएगा ई ई आर स्क्र आर स्क्वेयर कट गया तो पावर फोर करोगे तो यहाँ पे टीबी बाई टी ए कितना आया ट्वेंटी मतलब टू के बराबर आ जाएगी so, टी बी बाई टी ए जा टू, यहां पे रख दोगे तो लैमडा ए बाई किसकी इक्वल आ गई टू के इक्वल आ गई तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था बेस्ड क्वेश्चन था ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चला आइए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ टू मोल्स

डेल्टा क्यू फर्स्ट ऑफ थर्म देखें तो डेल्टा क्यू टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू तो डेल्टा क्यू की वैल्यू एनसीपी डेल्टा टी और डेल्टा यू एन डेल्टा टी तो डब्ल्यू कितना आ गया एनसीपी सॉरी डब्ल्यू आ गया डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू मतलब एन सी पी माइनस ठीक है इंटू में डेल्टा टी या इसको आप सिंपली एन डेल्टा डेल्टा भी लिख सकते हो अगर चाहो तो राइट तो एन आर डेल्टा टी भी है एक्चुअली देखा सी पी में एन सी वी इंटू डेल्टा टी जो है आर आ जाएगा तो एन आर डेल्टा टी भी आप लिख सकते हो बेटा खैर हमसे ये पूछा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा द रेशियो ऑफ द हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन सो डेल्टा क्यू बाई डब्ल्यू फाइंड करना आपको डेल्टा क्यू है एन सी पी डेल्टा टी और डब्ल्यू है एन आर डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी एन एन कैंसिल आउट हो गया सी पी बेटा ये हीलियम गैस है हीलियम गैस के लिए सी पी की वैल्यू होती है क्योंकि मोनो गैस है ये तो सीपी की वैल्यू होती है फाइव बाई टू आर सो फाइव बाई टू आर आर चार की वैल्यू हो जाएगी फाइव बाई टू और हमको इसकी वैल्यू क्या दे रखी है एन बाई टेन तो टू से काट दो फाइव फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी फाइव तो सिंपल सा ये बेसिक सा क्वेश्चन है आंसर आ गया ट्वेंटी फाइव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ए गैस अंडर गोज ए चेंज ऑफ स्टेट ड्यूरिंग विच हंड्रेड जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू इट एंड इट डज ट्वेंटी जूल ऑफ वर्क ठीक है तो एक गैस है उसको आप किसी प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहे हो और इस प्रोसेस में आपने इस गैस को 100 जूल एनर्जी दी है हीट एनर्जी 100 जूल दी है और गैस ने वर्क कितना किया है 20 जूल वर्क किया है तो आप ये बता सकते हो कि इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में गैस में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू होता है तो डेल्टा क्यू इज हंड्रेड जूल एंड डब्ल्यू इज ट्वेंटी देन डेल्टा इज एट्टी जूल तो गैस जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगी तो उस केस में गैस के पास इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई एट्टी जूल के आ, के बराबर आ गई द सिस्टम इज ब्रॉड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट थ्रू ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द ट्वेंटी जूल ऑफ हीट इज रिल्ड अब ये कह रहा है कि यहां से वापस इसको इस पोजिशन में लेके जाया जा रहा है तो इस दौरान ये कह रहा है कि ट्वेंटी जूल हीट जो है वो रिलीज कर दी सराउंडिंग में तो अगेन अगर मैं इस प्रोसेस के लिए बात करूं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखूंगा डेल्टा क्यू अब इस प्रोसेस के लिए कितना आएगा रिलीज किया इसने तो इसका मतलब ट्वेंटी नेगेटिव का हो गया डेल्टा यू की बात करें जब यहां से यहां जाओगे तो डेल्टा यू माइनस का एटी होगा भाई इधर से इधर प्लस देन इधर इधर से माइनस माइनस का प्लस बाई द बाय द गैस इन द सेकंड प्रोसेस इस प्रोसेस में वगडन पूछा है तो काफी सिंपल है एटी इधर जाएगा तो एटी माइनस ट्वेंटी कितना है सिक्सटी तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा सिक्सटी जूल ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आइए बेटा क्या कह रहा है वन मोल ऑफ ए मोनो एटोमिक आइडियल गैस इज मेड टू अंडर गो ए क्वासिस्टेटिक साइक्लिक प्रोसेस ठीक है ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी टेम्परेचर टी ऑफ द गैस वेरीज विद वॉल्यूम वी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन टी टीवस टू बी वी स्क्वेयर अगर आप इसी आ, ग्राफ को देखें तो ये टी कैलवीन में है वी मीटर क्यूब में है ए से बी में अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस है इसमें टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर है ठीक है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर है चलिए आगे देखते हैं वेर बीज इ कॉन्स्टेंट

ए से बी में अगर मैं बात करूं तो क्या आप रिलेट कर सकते हैं क्या हम रिलेट कर सकते हैं प्रेशर में क्या रिलेशन आएगा PV बराबर एनआरटी होता है राइट और टी जो है वी स्क्वे के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब पी वी प्रपोर्शनल टू वी स्क्वेयर वी से वी कट गया तो पी प्रोपोर्शनल टू वी इसका मतलब ए से बी में अगर चलेंगे तो वी जैसे से इंक्रीज हो रहा है प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है तो अपन ये तो कह ही सकते हैं कि बी पर प्रेशर ज्यादा होगा ए के कंपैटिबली ए पे कम होगा और बी पे क्या होगा प्रेशर ज्यादा होगा ये कंफर्म पता लग गया पर ठीक है पे पे कम है B पे ज्यादा है, ये ध्यान रखें आप अब आप देखो गोर से बी से सी वाली प्रोसेस देखो ये स्टेट लाइन है, मतलब इस इस है इसका मतलब बी का जो भी प्रेशर होगा सेम सी का होगा ठीक है तो बी पे प्रेशर ए के है ये तो पता लग ही गया और बी और सी का प्रेशर सेम है इसका मतलब अगर मैं बी पर प्रेशर पी सपोज पी डैश एज्यूम करूं और ए पर प्रेशर अगर मैं पी एज्यूम करूं तो पी ए वाला प्रेशर जो पी है वो मिनिमम प्रेशर है और बी वाला प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर है क्योंकि बी और सी पर प्रेशर सेम ही है और वो डबल है जस्ट मतलब टू टाइम्स ऑफ पी है यहां पर है ना यहां से ये हमें कुछ क्लू मिल चुका है बाकी आगे देखते हैं कुछ और मिलेगा क्लू और हमसे पूछा है कि बी से सी और सी से डी में सी से ए में जो हीट जो लिबरेट करेगा वो हीट एनर्जी कितनी होगी राइट right? तो सबसे पहले हम बात करें वॉल्यूम की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आप गौर से देख सकते हो अभी अभी हमने देखा था कि पी प्रोपोर्शनल टू वी आया था यहां पर ए और बी की बात करें तो तो अगर यहां ए पर वॉल्यूम वी है तो कंफर्म है बी का वॉल्यूम जो है वो टू वी हो जाएगा ये भी कंफर्म है बी का वॉल्यूम जस्ट डबल होगा इससे ठीक है और C का वॉल्यूम V के इक्वल है है ना तो अब हम हीट एनर्जी को देखते हैं कितना रिलीज होगा तो अब हम चलेंगे B से C में तो B से C बेटा आइसो प्रोसेस है और हमें मोनो एटमिक गैस दे रखी है तो आइसो प्रोसेस में देखा जाए तो यहां से यहां पे जब आप आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है राइट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है यहां पर ठीक है टेम्परेचर भी इस केस में डिक्रीज हो रहा है तो हम यहां लिख सकते हैं बी से सी की बात करूं तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी आइसोबेरिक प्रोसेस है ना तो हीट एनर्जी कितनी रिलीज होगी n cp डेल्टा t राइट right? रिलीज होगी तो आप लिख सकते हो tc tb नेगेटिव में आएगा ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं है ये हीट एनर्जी b से c में रिलीज होगी प्लस c से a में अगर आए तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा q होता है ncv डेल्टा t तो यहां पे जो हीट एनर्जी रिलीज होगी n cv डेल्टा टी की बात करें तो टी ए माइनस टीसी आ जाएगा टीए माइनस टीसी इतनी हीट एनर्जी लिबरेट होगी रिलीज होगी है ना और बाकी आपको ये मोनो एटमिक गैस दे रखा है तो आप जानते हो सीपी की वैल्यू फाइव बाई टू आर होती है ये फाइव बाई टू आर लिख दिया मैंने टीसी माइनस टीपी और ये वाली वैल्यू एन और ये आ जाएगा हमारे पास थ्री बाई टू आर टी ए माइनस टी सी यहां पर यह वैल्यू आ चुकी है अब हम हमें टी सी टी बी इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कुछ रिलेशन आएगा वो रिलेशन शायद यहां से आ सकता है ए सी बी में क्यू बराबर वन ट्वेंटी जूल आपको दे रखा है यहां पर ठीक है और इस प्रोसेस के लिए देखते हैं कि क्यू बराबर वन ट्वेंटी जूल है तो टेम्परेचर का क्या रिलेशन आएगा टेम्परेचर को हमें यहां पर देखना है फाइंड आउट करना है राइट तो ए पर टेम्परेचर हमें पता है टी ए है मैंने टी ए लिया है और बी पे टेम्परेचर जो है वो टी बी है ठीक है तो देखिए ये वाली जो प्रोसेस थी इसमें हमने अभी अभी लिखा था पी प्रोपोर्शनल टू वी आया था इस वाली प्रोसेस के लिए मतलब टू पावर बराबर आ गया तो प्रोसेस अगर आपको मालूम हो तो टू पावर पोलिट्रोपिक्स बराबर कॉन्स्टेंट के लिए मोलर हीट कैपेसिटी सी जो है वो सीवी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स होता है यहाँ पे एक्सपेर कंपेरिजन करो तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आ रही तो वन माइनस एक्स मतलब वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू आ जाएगा यहां पर और ये सीवी जो है जो गैस के लिए थ्री बाई टू आर थ्री बाई टू आर प्लस आर बाई टू मतलब, मतलब की के बराबर आज, की जो है इस प्रोसेस के लिए वो टू आर के बराबर है देन जो हीट ये एबजॉर्व करेगा क्यू क्यू को अपन लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी क्यू की वैल्यू आपको वन ट्वेंटी जूल के बराबर दे रखा है बराबर एन तो नंबर ऑफ और सी वैल्यू टू आर के बराबर आई है टू आर रख देंगे Tb -ta. तो ये तो मैंने रख दिया है ठीक है अब बात करते हैं टेम्परेचर की बी और ए का टेम्परेचर मेंचर को, को फिक्स अज्यूम कर लेता हूँ बी का टेम्परेचर हम फाइंड आउट करेंगे तो अभी अभी हमने देखा था टी इज प्रोपोर्शनल टू वी इक्वेशन आपको दे रखी है तो यहां पर अगर मैं वॉल्यूम करता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम टू टाइम्स है ना टू टाइम्स का मतलब वी स्क्वेयर के प्रपोर्शनल तो टेम्परेचर यहाँ पे टू टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगा तो फोर वी स्क्र हो जाएगा सीधी सी बात है यहां पर अगर टेपरेचर आपने टी एज्यूम किया तो यहाँ पे फोर टी ए हो जाएगा तो ए पर टेम्परेचर मैंने टी एज्यूम किया है तो कन्फर्म है बी का जो टेम्परेचर है वो फोर टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू यहां रख देंगे हम तो वन ट्वेंटी इज इक्वल टू टू आर और यह आ जाएगा फोर टी ए माइनस टी ए मतलब थ्री टी ए तो ये थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स से काट दो तो यहां से ट्वेंटी आ गया ये ठीक है ट्वेंटी सिक्स इंटू थ्री इंटू सिक्स थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी इक्वस टू आर इंटू टी ए ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है मतलब टी ए की वैल्यू ट्वेंटी बाय आर आ जाएगी टी ए की वैल्यू तो टी ए आ गया तो इसका मतलब आ, ये भी आ जाएगा टी बी भी आ गया और जब टी बी आ गया तो क्या हम टी सी फाइन नहीं कर सकते टी सी की वैल्यू भी निकाली जा सकती है क्योंकि लीनियर है एकदम लीनियर है तो इस इक्वेशन से आप इजीली फाइंड कर सकते हो गैस इक्वेशन से भी देख सकते हो आप क्योंकि अगर आप देखें गौर से तो सी का वॉल्यूम वी के एग्जैक्टली इक्वल है राइट right? C का वॉल्यूम के वॉल्यूमीक्टली exactly इक्वल है और बी की बात करें तो बी पर अगर, अगर आइडियल इक्वेशन लगाऊं मैं तो पी वी बराबर है टू पी इंटू टू वी तो यह वैसे भी अगर हम देखें तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो इसमें इतना कोई झमेले की जरूरत नहीं है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे फोर टाइम्स ऑफ टी है राइट और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी तो जब वॉल्यूम टू वी है तो टेम्परेचर फोर टी है तो जो वॉल्यूम वी हो जाएगा तो टेंपरेचर सी का कितना हो जाएगा टू टी जाएगा आधा हो जाएगा ना जस्ट तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो टू टी ए इसका टेम्परेचर टू टी आ गया अब ये सारी वैल्यू मैं यहां रख देता हूं टीए की टर्म्स में तो देखो डेल्टा क्यों कितना आता है एन की वैल्यू वन 1 है मोल 1 है तो इसको तो रहने देते हैं तो फाइव बाई टू आर टीसी टीसी जो है वो आपके पास यहां पर टू टीए uh, है तो टू टी ए रख दो टीबी की वैल्यू फोर टीए है तो टू टीए माइनस फोर टीए यहां पे आ जाएगा टू टीए माइनस का आएगा ठीक है प्लस यहां पे आ गया थ्री बाई टू आर एन की वैल्यू वन है TA माइनस टी सी टी सी की वैल्यू आपके पास कितनी है TC की वैल्यू है टू टी ए राइट टीए माइनस टी बी ये शायद मैंने सही लिखा है ठीक तो, है टू ठीक है तो TA की वैल्यू TA है और टी सी की वैल्यू जो टू टी ए तो यहां पे आ जाएगा माइनस का टी ए ये वैल्यू आ गई राइट अब यहां से ये कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है हमें इसको मैं यहां से रब कर देता हूं तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी है देखिए टू से कटना काटना चाहिए काट सकते नहीं तो एज इट इज रख दो तो दोनों माँ नेगेटिव हैं तो ये फाइव इंटू टेन आर टी आ जाएगा और ये थ्री आर टी ए तो टेन प्लस थ्री मतलब थर्टीन आ गया तो माइनस का थर्टीन आर टी ए बाई टू आ गया करेक्ट नेगेटिव आया क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहा है और आरटीए की वैल्यू ट्वेंटी के इक्वल है ट्वेंटी यहां रख देंगे ट्वेंटी बाई टू कितना आ टेन टेन इंटू थर्टीन मतलब वन थर्टी जूल नेगेटिव में हीट रिलीज कर रहा है राइट लेकिन इसने वैल्यू दी है केवल मोड दिया है उसका वैल्यू दिए तो ये कितना वैल्यू दिया है एन इंटू टेन एन इंटू टेन के बराबर अगर आप वन थर्टी रखोगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी थर्टीन आ जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ठीक है अच्छा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर टेन एन आइडियल मोनोटमिक गैस इज ट्रैप्ड इन ए वर्टिकल फिक्स सिलेंडर अंडर एन एयर टाइट पिस्टन ऑफ मास एम एंड एरिया एस द पिस्टन इज हेल्ड एट हाइट एच नोट अबाउट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर

फ्रिक्शन लेस ही अज्यूम करेंगे नहीं मैंने तो तो जैसे ही छोड़ेंगे इसको तो अंदर प्रेशर है पी नॉट है है अभी वॉल्यूम आप निकाल सकते हो एरिया सेक्शन ऐसे दे रखा और नीचे इस पिस्टन का एमजी लग रहा है तो नीचे गैस वाला प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा ठीक है तो प्रेशर फोर्स ज्यादा है एमजी कम है तो इसका मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा ठीक है तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब प्रेशर फोर्स और एम दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस केस में एक्सेलेशन जीरो हो जाएगा और एक्सेलेशन जब जीरो होगा ना तो उस केस में वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम होगी क्योंकि जैसे ही ऊपर जाओगे क्योंकि वेलोसिटी तो होगी ना इसमें पास जैसे ही और ऊपर जाएगा तो प्रेशर फोर्स वीक हो जाएगा और एम उससे स्ट्रांगर हो जाएगा तो फिर नेट फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा एंड डाउनवर्ड आने का मतलब जो पिस्टन है उसकी मोशन रिटार्डिंग मोशन होगी मतलब एक्सेलेशन अपोजिट वेलोसिटी डिग्री होना स्टार्ट हो जाएगी इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी जहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये इसने हिंट यहां पे दे रखा है आपको तो जब ये पिस्टन यहां जाएगा ना इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो गैस एक्सपेंड हो चुकी है प्रेशर जो है वो चेंज हो चुका है मान लीजिए प्रेशर पी डैश हो गया ऊपर तो वैक्यूम में कोई दिक्कत नहीं है तो एम जी नीचे लग रहा है और प्रेशर फोर्स के कारण फोर्स ऊपर लगेगा तो प्रेशर फोर्स के कारण फोर्स कितना आएगा पी डैश इंटू एस क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर एम जी आना चाहिए तभी इसके पास वेलोसिटी क्या होगी वी मैक्स होगी वी रख दिया मैंने यहां पर तो इस केस में प्रेशर कितना है गैस का प्रेशर आ जाएगा एम जी बायस ये प्रेशर आ चुका है ठीक है अब एक चीज है कि इस पिस्टन के पास एनर्जी क्या क्या आई है एक तो एनर्जी आ गई है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पिस्टन हाइट भी राइज कर चुका है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसने गेन की है तो ये दोनों जो एनर्जी आई है जो पिस्टन के पास जो मैकेनिकल एनर्जी आई है वो मैकेनिकल एनर्जी दी किसने गैस ने तो दी है तो गैस की एनर्जी कहां से इंटरनल एनर्जी इसकी खर्च हुई है तो गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो मान लीजिए टी आई है और फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए टी एफ है

डेल्टा टी में टी इनिशियल माइनस टी फाइनल करना ठीक है ताकि वो उसको मिल जाए उसको एनर्जी यहाँ पे पे पॉजिटिव आ जाए तो यहां लिख देंगे टी 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 इनिशियल माइनस फाइनल 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 है राइट ओके ये हो गया अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है अब जैसे मैं यहां पर लिखूं सबसे पहले कि यहां पर टी फाइनल टेम्परेचर है नंबर ऑफ मोल्स में कोई बदलाव नहीं आएगा तो इस इस वाले पार्ट की बात करूं तो यहां पे मैं प्रेशर लिख सकता हूं पी डैश वॉल्यूम भी लिख सकता हूं बराबर एनआर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो मेरे पास टी फाइनल आ जाएगा तो चलो रखते हैं तो पी डैश इज एम जी बाई एस इंटू वॉल्यूम कितना आएगा वॉल्यूम आ जाएगा ये पूरी हाइट कितनी आ गई एच प्लस एच नॉट एच प्लस एच नॉट इन टू एस सिलेंडर है ना तो हाइट इंटू एरिया आ जाएगा वॉल्यूम तो ये वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम इंटू में प्रेशर बराबर एन आर टी एन आर टी फाइनल यहां से एस एस कट कट कर देना तो ये एनआर टी फाइनल की वैल्यू आ गई इनिशियल केस में बात करें प्रेशर था पी नॉट वॉल्यूम कितना आएगा एच नॉट इंटू में एस बराबर एन आर टी इनिशियल तो ये दो, दोनों जो वैल्यू है टेम्परेचर वाली वैल्यू यहां रख देंगे और हम आंसर तक पहुंच सकते हैं चलो देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी देखिए हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू थ्री बाई टू राइट अब एनआरटी एन इनिशियल आ जाएगा अंदर एनआरटी इनिशियल की वैल्यू कितनी है पी नॉट एच नॉट एस माइनस फिर आ जाएगा एनआर टी फाइनल एनआरटी फाइनल एनआर टी फाइनल की वैल्यू वहां से रख दें एम जी एच प्लस एच नॉट ठीक है ये वैल्यू आ गई एम जी एच प्लस एच नॉट यहां तक कर, ची, कर दिया हमने अब इसका टू का एलसीएम ले लेते हैं अपन तो यहां पे आ जाएगा बेटा एम वी स्क्र यह टू एम जी एच आ गया ठीक है और ये टू हट जाएगा इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो थ्री पी नॉट एच नोट एस इसको भी थ्री को मल्टीप्लाई कर दो माइनस का थ्री एम जी एच माइनस का थ्री एम जी एच नोट ठीक है अब यहां से एम वी बराबर यह आ जाएगा थ्री पी नॉट एच नॉट एस यहां अगर आप देखो तो ये माइनस का थ्री एम जी एच और ये टू एम जी एच है तो यह माइनस का फाइव एम जी एच और माइनस का थ्री एम जी एच नोट राइट अब यहां से आप एम को डिवाइड कर सकते हो और वी फिर अंडर रूट में ले लेना तो यह आ जाएगा थ्री पी नॉट एच नोट एस अपोन में एम माइनस यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा एम कट जाएगा और जी बाहर आ जाएगा ठीक है जी बाहर आ गया और यहाँ पे आ जाएगा फाइव एच प्लस थ्री एच नोट ठीक है एम कट चुका है और वी स्क्वेयर है तो अंड्रोल कर दो वी आ जाएगा तो ये वैल्यू आई बेटा यहाँ पर राइट अब देखते हैं आंसर क्या कह रहा है देखो ओके इसको मैं थोड़ा साइड कर दूँ ओके okay. तो ये आंसर आया हमारे पास और आंसर आप देख सकते हो ओके आंसर है वी बराबर अंडरवुड में थ्री पी नॉट एच नॉट एस अपॉन में एम अंडरवुड में थ्री पी नॉट एस एच नॉट अपॉन में एम मतलब एल्फा की वैल्यू थ्री सेट हो रही है यहां पर माइनस जी ब्रैकेट में फाइव एच प्लस एल्फा एच फाइव एच प्लस एल्फाएच मतलब थ्री तो यहां पर एल्फा की वैल्यू थ्री के बराबर आ रही है बेटा तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा थ्री हो जाएगा ठीक है ओके okay, तो ये था आपका जई का डीसीएम टेस्ट सीरीज़ का पेपर ठीक है तो अच्छे से ऐसे ही मेहनत करते जाइए ठीक है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जो है वेरी करता रहता है पेपर के अंदर राइट अच्छे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों ठीक है ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट